गुड इवनिंग क्लास। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया है मैम। अच्छा, अब भी ऐसा है कि मैं अपनी क्लास चला रही हूँ आज अपने फोन डाटा से, क्योंकि वाईफाई यहाँ पे है काफी ज्यादा लिमिटेड। मैं काफी देर से देख रही हूँ, आज वाईफाई लिमिटेड दिखा रहा है ये। तो देखते हैं क्लास कब तक चलती है, जो भी उसकी होगी, 1.5-2 GB दिक्कत आने की। के चांसेस हैं, हाँ, मतलब कि दिक्कत आने के चांसेस हैं। मतलब दिक्कत की तो नहीं मैं बोलती, बट ये हो सकता है कि क्लास मतलब पूरी हाँ उतनी जी दो मैम, ये घंटे की तो चल है, चल जाएगी। हाँ, ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जाएगी वही है ना, वैसे पूरी क्लास लग जाएगी, क्योंकि ना अगर हम मोबाइल पता डाटा नहीं। से क्लास लगाते हैं तो ना मतलब कि एक क्लास लगा के हमारा 50% के अराउंड डाटा यूज होता है, नहीं, ये तो मैं आपका बताती डबल हूँ। भी हुआ तो ठीक यस, जो होस्ट होता है उसका डाटा ज्यादा जाता है, है जो मैम। भी मीटिंग होस्ट करता है ना उसका डाटा ज्यादा जाता है। इसलिए मैं ये आपको पहले ही बता रही हूँ हाँ कि जी अगर मैम। क्लास में बीच में कोई दिक्कत आई तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, बाकी मैं फिर से चेक कर लूंगी। अभी मैं वाईफाई ऑन नहीं कर सकती, अगर मैंने किया तो मेरा डाटा फिर चलेगा नहीं, और वाईफाई काफी देर से ये लिमिटेड दिखा रहा है यहाँ पे। एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ, अगर चल गया तो। नहीं, लिमिटेड ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, चल जाएगी अच्छी क्लास, बाकी अगर बीच में दिक्कत आई तो देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है आज हमें। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है आज? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स कह लो या नेचुरल प्रोडक्ट्स कह लो, जो भी आपको सही लगता है, दोनों ही नाम इस टॉपिक के लिए सही है। बायोमोलिक्यूल्स, स्क्रीन मेरी ब्लर आ रही है या सबकी ब्लर आ रही है? थोड़ी ये बाकी लोग बताएं प्लीज। ब्लर है मैम, ब्लर है ब्लर ना? थोड़ी सी है, ब्लर थोड़ी हाँ, सी है। एक्चुअली मैंने इसीलिए आपको वो बताया पहले कि यहाँ पे आज ना वाईफाई में आधे घंटे से चेक कर रही हूँ, लिमिटेड आ रहा है, और डाटा पे चलाई है मैंने क्लास, तो मेरे को पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम डाटा पे क्लास चला रही हूँ, कैसी जाएगी मेरे कोई को नहीं, बस खुद थोड़ा नहीं सा पता। बड़ा बड़ा लिख देना मैम, फिर बड़ा फाइन लिख है, थोड़ा दूँ? ठीक है, मैं सा कोशिश ज्यादा। करूंगी कि यस मैम, हो जाएगा मैनेज, बस बड़ा लिख देना। अब ठीक है इससे मैम, अब आपकी बिल्कुल बोल बड़ा। परफेक्ट, अच्छी ठीक है है अब ठीक तो है, क्लैरिटी। ओके ओके। ये बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है बिकॉज डाटा है ना, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलिए, अगर बीच में कोई दिक्कत हुई तो कोई बात नहीं, मुझे रोक देना, मैं रिपीट कर दूंगी या जैसा भी रहेगा। बायोमोलिक्यूल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें करना है, जिसे नेचुरल प्रोडक्ट्स मैंने कहा है, ऐसे भी कहा जा सकता है, ऐसे भी कहा जा सकता है। नाम से क्लियर हो रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें हम लिविंग सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं, कि लिविंग सिस्टम के अंदर क्या केमिस्ट्री हो रही है, क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वो वाला पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये अच्छा लगेगा टॉपिक, जो बायो वाले नहीं है हो सकता है उनको उतना अच्छा ना लगे, लेकिन फेवरेटिज्म जो है वो बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इससे आता ही आता है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। दैट्स व्हाई अगर किसी सिंपल से टॉपिक को करने से आपके वहां पे 1-2-3 क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तो उसमें वो कड़वा घूट पी लेना चाहिए, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। एक बार पेपर क्रैक हो गया उसके बाद फेवरेटिज्म अपना लेना, उससे पहले नहीं अपनाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसमें हमारे पास हमें करना क्या क्या है बायोमोलिक्यूल्स में। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास फर्स्ट रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, अच्छा बड़ा लिखना है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये चैप्टर तो मैम वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रट्टा जा रहा है इसमें। अच्छा, रट्टा है तो इसलिए इंटरेस्टिंग है। और मैम कईयों, एमएससी केमिस्ट्री में आता है ना मैम, बायो का हाँ, केमिस्ट्री। ये वाला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स का मेरे को याद है कि इसमें भी था, क्या कहते हैं नहीं इसको, मैम, जिन्होंने ना बीएससी में बीएससी भी। नॉन मेडिकल की होती है उन्हें हाँ एमएससी में बुक पढ़ाते हैं बायो फॉर केमिस्ट्री, जो ठीक है, जिन्होंने मेडिकल मेडिकल वाले उन्हें मैथ्स पढ़ाते वालों हैं। को मैथ का देना और नॉन मेडिकल वालों को बायो का पेपर देना होता है। हाँ जी, मेरा हाँ ना हाँ उसमें हाँ A+ ग्रेड आया था, अकेला क्या पेपर बात था है, जिसमें A+ आया था। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी लेके आना है, ठीक है, हमारा नाम भी रोशन करना है। हाँ जी मैम, जरूर। ठीक है, चलो
देखो मैं कुछ यहाँ पे पार्ट्स लिख रही हूँ जो मेजरली अभी मेरे ध्यान में है कि हम क्या क्या कवर करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स के टॉपिक में हमें जिन जिन चीजों पे फोकस करना है वो हमारे पास क्या है। पहली बात कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ के हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन प्रोटीन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड, विटामिंस के बारे में। ये कुछ पार्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जो लिविंग सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर मैं इन पहले तीन पार्ट्स की बात करूं तो ये मेजर पार्ट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूँ तो शुगर, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होना जरूरी है। ये हमारे मतलब सिस्टम के लिए, जो लिविंग सिस्टम है, हम खुद को ही ले ले, बाकी भी हमारे पास लिविंग सिस्टम और है लेकिन खुद को ही ले ले तो हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस काफी है। देन अगर बात करें हम अमीनो एसिड्स की या प्रोटीन्स की, तो अमीनो एसिड बेसिक यूनिट है हमारे पास प्रोटीन्स की, दैट्स वाई ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड होंगी। बट यस, प्रोटीन्स में हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमने अमीनो एसिड्स को पढ़ लिया तो प्रोटीन्स की काफी चीजें हमें पता चल जाएंगी, क्योंकि अमीनो एसिड एसिड जुड़ने से ही प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसकी मोनोमर यूनिट हम कहते हैं अमीनो एसिड्स है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड अपने पास रहेंगे। न्यूक्लिक एसिड से आपको किसके बारे में, आरएनए डीएनए के बारे में पता चल जाएगा कि क्या इनकी बेसिक कंपोजिशन है, क्या डिफरेंस रहते हैं, और बिल्कुल ऐसे बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत मतलब डीप तरीके से बायो वाला पार्ट नहीं आएगा। देन वाइटामिन के बारे में आ सकता है, कौन वाइटामिन वाटर सोल्यूबल है नहीं है, या किसका दूसरा नाम क्या होता है, बस इस तरीके के बेसिक वाले क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं। जो थोड़ा इलाबोरेटेड पार्ट जाता है वो यही वाला पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड वाला पार्ट। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट स्टीरॉइड्स वगैरह किसमें आते हैं? कौन से स्टीरॉइड्स? स्टीरॉइड्स भी कर सकते हो आप अलग से, या फैटी एसिड्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में भी पढ़ सकते हो, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन उसके बारे में भी करवाई जा सकती है, वो अलग से ही रहेंगे। अगर उसके बारे में, बट वो पार्ट मैं बताती हूँ क्यों मैं थोड़ा सा रख रही हूँ कि स्टीरॉइड्स के बारे में हार्मोन्स का किससे। क्वेश्चन जरूर आता है मैम, एक हार्मोन से हार्मोन से कोई बात नहीं, वो भी हम देख लेंगे। तो स्टीरॉइड्स, चैटर में भी आया था, उसमें ना मतलब कि कुछ ऐसा था प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन ये होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था मेरे ख्याल में। लेक्चर कैडर में, मैं मास्टर कैडर का एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लूंगी कि उसमें हार्मोन्स वाला पार्ट रहता है या नहीं, मुझे अभी तक ध्यान में नहीं आ रहा है, बट अगर आता होगा तो वो पार्ट भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा दिया है इस यूनिट के बारे में कि हम क्या क्या पार्ट इसमें कवर करने वाले हैं, क्या थोड़ा इलेबोरेटेड रहेगा और क्या जो है वो हमारे पास बस बेसिक उसका इंट्रोडक्शन कंपोजिशन या उसका बेसिक फंक्शन जो है ये सब चीजें रहेंगी। तो इस तरीके से हम अपने सिलेबस को जानते हुए स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास यहाँ दो शब्दों से मिलके बना है, या अगर मैं कहूं कि आप इसका करो संधि विच्छेद, पढ़ा है संधि विच्छेद हिंदी में? हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ा है? कार्बो प्लस हाइड्रेट्स ये दो शब्दों से मिलकर बना है। नहीं, लेकिन संधि विच्छेद पढ़े हैं आप लोगों ने? हमारे सिलेबस में नहीं था, हमारे बाद में वो सिलेबस में ऐड हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं होता था, जैसे आपके पास ऐसा है हिमाचल है ना, तो इसको तोड़ना होता था हमारे पास कि ये किन दो शब्दों से जुड़ के बना है, तो हम इसमें कहेंगे हिम प्लस आचल। हाँ, ऐसा वाला, ये संधि विच्छेद होता है। ठीक है, तो इससे हमें ना उस शब्द का ना जो मीनिंग होता है वो पता चल जाता है जब हम उसको ऐसे तोड़ देते हैं, तो दैट इज संधि विच्छेद, कुछ और नहीं है। तो वही चीज मैं यहाँ कह रही हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर हम उसको ब्रेक करें, किसी का माइक ऑन है, अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमारे पास यहाँ पे कार्बो वर्ड ऑब्वियसली बात है किससे लिया गया होगा, कार्बन से, और हाइड्रेट्स का सीधा सीधा लिंक है कि वाटर मॉलिक्यूल्स। जब कार्बन के हाइड्रेट्स हमें देखने को मिले तो उसको इन्होंने बोल दिया कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स नाम जो आया है वो कुछ इस तरीके से मतलब डिराइव हुआ है, दैट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो आपके पास बेसिक फॉर्मूला होता है वो बेसिक फॉर्मूला क्या है, CX H2O Y, CX
H2O Y, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। जैसे अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल यहाँ पे लूँ ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6 ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले में अगर इसको पुट करूं तो ये मेरे पास ऐसे आएगा C6 देन H2O6, ऐसे पुट होगा C6 एंड H2O6। बट इसी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे रखूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड CH3COH, इसको मैं लिखूं C2 एंड H2O2, समझ रहे हो? ये एक्स और वाई आपके पास ये नंबर है, जैसे यहाँ कार्बन 2 और H2O के कितने, अगेन यहाँ पे 2, तो ये बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे अगर मैंने ग्लूकोज को देखा तो ये बिल्कुल बराबर है। मतलब कि बेसिक फॉर्मूला तो इन्होंने दिया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है CXH2OY, क्योंकि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट्स बोला गया है। बट क्या हमारे पास इस फॉर्मूले में फिट होने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं? तो आंसर है नहीं। बेशक ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स के लिए फिट बैठ रहा है, जैसे हमने एग्जांपल देखा ग्लूकोज का, ग्लूकोज है C6H12O6, तो इस फॉर्मूले में जब हमने इसको पुट करना था तो हमने लिखा C6 और H2O के 6, क्योंकि 6 × 2 = 12, हाइड्रोजन हो गए 12 और ऑक्सीजन कितने 6, तो बिल्कुल सही बैठा। बट इसी के साथ एक एसिटिक एसिड भी है हमारे पास, अगर उस मॉलिक्यूल को भी मैं इस फॉर्मूले में पुट करना चाहूँ तो बिल्कुल सही पुट हो रहा था। जिससे क्या पता चला कि ठीक है ये बेसिक फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स के लिए देना है तो ठीक है, बट आप ये कहीं पे भी बिल्कुल मेंशन मत करना कि इस फॉर्मूले में जो भी मॉलिक्यूल फिट होते हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स है। उस पे आप बिल्कुल मना कर दोगे, नहीं, जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस फॉर्मूले में, बेसिक फॉर्मूले में फिट हो रहे हैं, यस, बट जितने मॉलिक्यूल इस फॉर्मूले में फिट हो रहे हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आंसर नो। क्या आपको ये समझ आया कि मतलब ये वाइस वर्सा नहीं चल रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बेसिक फॉर्मूला है, सही बात है, बट इस बेसिक फॉर्मूला में फिट होने वाले कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं, बट उनको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहा जा रहा। यानी इसको मैं आप बेसिस नहीं मान सकते कि इस फॉर्मूले में आने वाले जो भी मॉलिक्यूल है उनको कार्बोहाइड्रेट बोल दो, इस पे मैं मना करूंगी, क्योंकि कुछ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। तो अगर इस बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में डेफिनेशन नहीं दे सकती थी तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या थी? तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, लिखिएगा, these are polyhydroxy aldehydes aldehydes such as glucose or polyhydroxy ketone such as fructose और the compounds which can be hydrolyzed to them. These are polyhydroxy aldehydes such as glucose or polyhydroxy ketone such as fructose or the compounds which can be hydrolyzed to them. Likh liye definition.
कर ली है नोट? यस मैम, यस मैम, ओके यस मैम, ठीक है। यस मैम। देखिए अब यहां पे हमने क्या कहा, तीन बातें लिखी है, और वो तीन बातें क्या हैं कि देखो, पहले तो बात चली कि ठीक है हमारे लिए या लिविंग सिस्टम्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एनर्जी का सोर्स है कह सकते हैं। कहाँ से मिलते हैं जी? प्लांट्स से मिलते हैं, प्लांट्स में ये सिंथेसाइज हो रहे हैं, बट लिविंग सिस्टम के लिए एक एनर्जी का सोर्स है। तो एनर्जी का सोर्स तो थे, लेकिन केमिकली हमें देखना है, हमें देखना है कि उसके केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसके साथ जुड़ी हुई। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए था इसका बेसिक फॉर्मूला। हमने बेसिक फॉर्मूला तो दिया, लेकिन उस फॉर्मूले के साथ गड़बड़ ये हो गई कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे, कुछ और मॉलिक्यूल्स भी थे जिनका कार्बोहाइड्रेट्स वाला नेचर नहीं था, लेकिन वो उस बेसिक फॉर्मूले में फिट बैठ रहे थे। तो उससे हमें क्या पता चला कि उस फॉर्मूले में फिट बैठने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कह सकते। फिर हम किसे कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं? तब ये डेफिनेशन सामने आई कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि हमारे पास जो OH ग्रुप है वो काफी मिलने वाले हैं, हमें एक नहीं मिलेगा, एक से ज्यादा मिलेंगे। दैट्स व्हाई पॉली वर्ड यूज किया गया है। एज वेल हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप होने के साथ साथ उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। अगर वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रख रहा है तो उसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है ग्लूकोज, सच एज ग्लूकोज। बट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, मतलब हाइड्रोक्सी OH फंक्शनल ग्रुप तो है बट साथ में कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी है, तो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फ्रक्टोस, जो सबसे फेमस है। या अगर इस कैटेगरी को भी नहीं कर रहे, इसको भी नहीं कर रहे, तो एक और कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स की जिसमें वो कंपाउंड्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उनकी जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में ब्रेक होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में ब्रेक हो जाते हैं। ये मतलब था इस थर्ड लाइन का, मतलब आपको वो मोनोमर वाली फॉर्म में भी मिल सकते हैं या पॉलीमर एक तरीके से कह लो उस फॉर्म में भी मिल सकते हैं, जिनको तोड़ने पे, हाइड्रोलाइज करने पे वो इन यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस अब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी बेसिकली क्या रहेगी केमिकल एस्पेक्ट से, तीन। ठीक है, या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप OH के साथ, या कीटोन फंक्शनल ग्रुप OH के साथ, या ऐसे हमारे पास कंपाउंड जिनकी हाइड्रोलिसिस से हमें उनको तोड़ने पे, ब्रेक करने पे इनमें से कोई मॉलिक्यूल मिल सकता है। अब ये तो हुई एक बेसिक सी डेफिनेशन, बट इसकी क्या है आगे हुई है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग कंसेप्ट्स के बेसिस पे, या अलग अलग आप कह लो बेस लेके की गई है। तो जो सबसे पहला बेस लिया गया था इसकी क्लासिफिकेशन के लिए वो लिया गया था हाइड्रोलिसिस। वो क्या लिया गया था? हाइड्रोलिसिस। तो नेक्स्ट लिखिएगा क्लासिफिकेशन, पहले लिखिए सिर्फ क्लासिफिकेशन, और उसके बाद 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स हम बनाएंगे। तो पहली हमारे पास क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की पहली है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हमारे पास यहां पे फर्स्ट कैटेगरी आई मोनोसेकेराइड्स की। ठीक है, किसकी आई है? मोनोसेकेराइड्स। मोनो मीन्स, हां जी मैम, स्क्रीन ना ब्लर्ड होगी, सिर्फ मुझे हुई है, सबको हुई है अब? ठीक बाकी एक्चुअली मैं बता देती हूँ कि हुआ क्या है, मैं डाटा से क्लास ले रही हूँ तो मे बी इसलिए फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई आज है लिमिटेड। मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप लोग ऐसे परेशान हो रहे हो क्लास में, बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, वाईफाई अभी भी लिमिटेड है, आज नाराज हैं ये हमसे, इसलिए आज डाटा से क्लास चल रही है, तो दैट्स वाई वो फ्लक्चुएशंस हो रही होंगी बीच में। ठीक है, अभी ठीक है ना? मोनो मींस वाह, सिंगल, बिल्कुल।
हाँ वन, ये सेकेराइड्स मीन्स, सेकेराइड जो है वो आपके पास एक ग्रीक वर्ड है, सेकेरिन, जहां तक मेरे को ध्यान है सेकेरिन या सेकेरन लिया गया था, और उसका ग्रीक वर्ड का मतलब होता है, हाँ सेकेरन था शुगर। सेकेराइड जो है वो हमारे पास सेकेरन एक ग्रीक वर्ड होता है, उससे लिया गया था, जिसका मतलब होता है शुगर। मतलब मोनोसेकेराइड्स आपके पास सिंगल शुगर, एक तरीके से कहना चाह रहा है। तो सिंगल शुगर का क्या मतलब है? अभी हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस पे क्या होंगी, अगर वो पॉलीमर यूनिट हुई एक तरीके से, तो वो हाइड्रोलाइज होके अपनी मोनोमर यूनिट्स में कन्वर्ट होगी। बट यहाँ पे इसने कहा है कि सिंगल शुगर है। सिंगल शुगर का मतलब है कि ये अपने आप में ही मोनोमर यूनिट है और इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। तो मोनोसेकेराइड के आगे एक लाइन लिखिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। मतलब वो अपने आप में ही सिंगल यूनिट है, उसको तोड़ के आगे आप और कुछ नहीं बना सकते, उसको आगे ब्रेक किया नहीं जा सकता हाइड्रोलिसिस से, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। जिसमें आपके पास सबसे फेमस एग्जाम्पल हम रख सकते हैं डी ग्लूकोज, डी कैपिटल लिखना है इसमें, ये भी हम बात करेंगे बाद में कि कैपिटल स्मॉल क्या मतलब है इन सब चीजों का। डी फ्रक्टोज, डी मैनोज एटसेट्रा, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी मैनोज, ठीक है। ये हमारे पास कुछ मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम फर्दर हाइड्रोलाइज करके किसी और यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड आप यहां पे लिखेंगे डायसेकेराइड्स, डायसेकेराइड्स नाम से क्लियर हो रहा है, दो शुगर से मिलके बना होगा, दो शुगर से मिलके बना होगा, जैसे ये मोनोसेकेराइड वाली कोई दो यूनिट होंगी उनसे जुड़ के बना होगा। इट मीन्स जब उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो दो मोनोसेकेराइड्स में हमें कन्वर्ट होके मिलेगा। तो बहुत सिंपल है ये क्लासिफिकेशन, लिखिए द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू, हाइड्रोलाइज्ड इनटू टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स, टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स लिख लो या सब यूनिट्स लिख लो। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज, मेल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज, सुक्रोज या सेलोबायोज, सेलोबायोज, चार एग्जाम्पल लिखवाए हैं डायसेकेराइड में, लैक्टोज, मेल्टोज, सुक्रोज एंड सेलोबायोज। मैम, सेलो बायोस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलोबायोज का फॉर्मूला आपको बता देंगे जब इनके हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, बिकॉज अभी आपको सिर्फ नाम लिखवा रही हूँ, बाद में इनके स्ट्रक्चर्स कराए जाएंगे कि किस किस से मिलके ये बन रहे हैं। हमने ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स करने हैं, तब हम इनको साथ में सबको डिस्कस करेंगे कि किस किस मोनोमर यूनिट से जुड़ के किस लिंकेज के थ्रू ये बने हुए हैं, ठीक है। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं सिर्फ नाम नाम लिखवा रही हूँ मैम वो आपको। टेबल भी करेंगे, क्या करेंगे? टेबल भी वो बनाएंगे, ग्लिस कहाँ से चलता है वो, ग्लिसरॉल से फिर थ्रियोएट्रो, उसके आगे फिर चार, हाँ ग्लिसरेल्डिहाइड से जो चलता है, जी, फॉर्मलडिहाइड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बनाएंगे।
तभी तो हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलेगा, हमें याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाता है उस टेबल से। लिख लिया, थर्ड लिखिएगा पॉलीसेकेराइड्स। थर्ड इसी कैटेगरी में आपके पास बनेंगे पॉलीसेकेराइड्स। ये अभी हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे ही हो रहा है और इसकी डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं फटाफट। पॉलीसेकेराइड्स में दी कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू टू या मोर मॉलिक्यूल। यस, टू द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू, विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, टू नहीं लिखना है बिकॉज टू में लिखा तो वो स्पेसिफिकली डाइसेकेराइड में चला जाएगा, तो आप इसको मोर देन टू वाले में लिखो। पोली को मोर देन टू में लिख लो, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू, ऐसे लिख सकते हो मैनी, और मैनी में लिख देना मोर देन टू, क्योंकि टू वाले के लिए हमने अलग से क्लास डिफाइन की है, इनटू मैनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स। एक्सक्यूज मी दीपा मैम, दीपा मैम, 2 to 10 तो हमारे ओलिगोसेकेराइड्स आ गए ना जिसमें यस यस ओलिगोसेकेराइड्स टर्म भी यूज की जाती है। अगर हमारे पास डाइसेकेराइड हमने बोल दिया वो स्पेसिफिकली टू के लिए है, अगर ओलिगोसेकेराइड बोल दिया तो वो 2 to 10 के लिए है। तो अगर हम पॉलीसेकेराइड्स लेंगे तो मोर देन 10 नहीं हो जाएगा मैम? पॉलीसेकेराइड्स के लिए आप अगर हाँ 2 to 10, देखो आपके पास तीन तरीके से है। अगर आपकी क्लासिफिकेशन मोनो डाई और पोली में चल रही है, 1 to many ऐसे रखो। अगर आपकी चल रही है मोनो ओलिगो और पोली में, तो फिर मोनो में आप 1, ओलिगो में आप 1 से 10 और पोली में फिर मोर देन 10। यस मैम, ठीक है, थैंक यू। वो मैं एक अलग से आपको यहाँ पे बता दूंगी कि अलग अलग तरीके से दी है बुक्स में। ओलिगोसेकेराइड्स भी कहते हैं और ओलिगोसेकेराइड्स में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसमें हमारे पास 2 to 10 सब यूनिट्स अगर जोड़ के बना रही है तो उनको ओलिगोसेकेराइड्स का नाम दिया है, तो ये भी लिख लेना साथ में। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कुछ बुक्स में मिलेगा आपको मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तब मोनो का मतलब है आपके पास सिंगल, ओलिगो का मतलब है 2 to 10 में अगर वो टूट रहा है, पोली का मतलब हो गया मोर देन 10, ठीक है। और जब हमारे पास वो मोनो डाई और पोली में बात कर रहा है तो डाई स्पेसिफिकली 2 के लिए और पोली को आप फिर मोर देन 2 के लिए सबको एक साथ रख सकते हैं। मैम पोली और ओलिगोसेकेराइड्स तो सेम नहीं आ जाएंगे फिर? नहीं देखो ओलिगोसेकेराइड्स की ना आप लिमिट देखो, ओलिगोसेकेराइड्स को 10 तक रखा जा रहा है, पोली में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ यस, ओलिगोसेकेराइड में फिक्स किया गया है। यस, और मतलब अगर मैम 2 से 10 में यूनिट्स आती हैं तो वो हम ओलिगो में ही काउंट करेंगे कि पोली में भी काउंट हो सकती हैं? पोली में भी हो सकते हैं अगर वो 2 से ज्यादा हैं तो, बट अगर जैसे मैं स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ ना आपके पास, अब मैं एक बार फिर कह रही हूँ, देखो क्या है, अगर आपने बोला मोनो डाई और पोली, अगर इस तरीके से क्लासिफिकेशन कराई, मोनो में सिंगल, डाई में 2 और पोली में 2 के ऊपर जितने भी है, अगर आपने बोला मोनी मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, तब फिर डाई को नहीं लेंगे बिकॉज डाई वाला पार्ट हमारा इंक्लूड हो गया ओलिगो में, तो ओलिगो 10 तक है, लेकिन पॉली जब किया गया है यूज तो वो 10 के ऊपर के लिए यूज कर रहे हैं, इसको लिमिटेशन दे दी गई है ओलिगो को कि 2 से 10 के बीच वाले को। अगर स्पेसिफिकली डाई बोला है तो क्लियर हो रहा है कि 2 की ही बात हो रही है, ओलिगोसेकेराइड में क्लियर नहीं हो रहा कि 2 की हो रही है, 3 की हो रही है, 4 की हो रही है, वो 2 से 10 के बीच कोई भी हो सकता है। मैम अगर क्वेश्चन में मेंशन पॉली भी हो और ओलिगो भी हो तो फिर हम किसको करेंगे? अगर 2 और 10 के बीच में हो तो ओलिगो को करेंगे? नहीं नहीं आपसे क्वेश्चन, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्वेश्चन कैसे, मतलब मेरे को बताओ। जैसे डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है कि मोर देन 2 में पूछा जाए या 3 में पूछ लिया जाए सब यूनिट, तो वो किस में काउंट होगा? अगर आपके पास वहां पे ट्राईसेकेराइड उसने लिख के दिया है तो आप किसी को भी मत लो, आप स्पेसिफिकली 3 के लिए ट्राई को लो ना, 2 के लिए लिया है तो डाई को लो, ठीक है। बट अगर आपके पास वो ऐसे लिख के दे रहा है कि ऐसे हम शुगर्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे 2 से 10 के बीच देते हैं, तो इट्स बेटर कि आप उसको ओलिगोसेकेराइड कहो। अगर उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, उसने कहा है कि मोर देन 2 हमारे पास किस में मिल सकते हैं, तो पॉलीसेकेराइड को कर लो। इट डिपेंड्स कि ऑप्शंस किस तरीके से आपको दिए गए हैं। ठीक है मैम,
ठीक है, कंफ्यूज करने वाला वो देगा नहीं, ऐसा कि सब ओलिगो भी दे दिया पोली भी दे दिया और कुछ भी पूछ रहे नहीं, वो वहां पे क्लियर करेगा उस बात को। तो दैट डिपेंड्स कि आपको ऑप्शंस किस तरीके से दिए गए हैं। अगर ऐसा ठीक कुछ है? दे दिया तो एक नंबर फ्री का नहीं ऐसा करते तो फ्री वाले तो बहुत कम मिलेंगे, मतलब इस चीज को तो ना रखो दिमाग में, बट सिंपल है, मतलब ऐसे कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। स्पेसिफिकली अगर वो दो का पूछ रहा है, आपको ओलिगो भी दिया है डाई भी दिया, इट्स बेटर आप डाई को ही करोगे ना, क्योंकि डाई में सीधा पता चल रहा है कि दो ही बनेगा, ओलिगो में पता नहीं चल रहा, 2 से 10 की कोई भी रेंज हो सकती है, पोली में पता नहीं चल रहा है, 2 से ऊपर की कोई भी रेंज पोली को मतलब रख सकती है अपने इसमें। ठीक है ओके चलिए, ये पहले क्लासिफिकेशन किया हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे, बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो वो टूटता नहीं है, अगर फर्दर मोनोसेकेराइड 2 में टूटता है डाइसेकेराइड, या 2 से 10 के बीच यूनिट्स में टूटता है तो उसको ओलिगोसेकेराइड, और उससे भी ज्यादा यूनिट्स में या मल्टीपल यूनिट्स में जब टूटता है तो ओवरऑल पॉलीसेकेराइड भी एक नाम दे दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन सिर्फ हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे है, क्लासिफिकेशन की हमारे पास और भी तरीके हैं, जिसमें नेक्स्ट आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, सेकंड है क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। जैसे आप लोगों के होता है ना डॉक्यूमेंट पे नाम अलग, घर पे नाम अलग, फ्रेंड्स में नाम अलग, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी अलग 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 तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हमने बात करी कि हाइड्रोक्सी के साथ एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, 2 फंक्शनल ग्रुप की बात करी है। इट मींस हमारे पास यहाँ 2 तरह से ही आगे नाम कार्बोहाइड्रेट्स के देखने को मिल सकते हैं, एक आपके पास है एल्डोज और दूसरा आपके पास है कीटोज, एल्डोज एंड कीटोज। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हमें 2 तरह की क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। एल्डोज में फिर से वही संधि विच्छेद वाला काम, एल्ड प्लस ओज, ओज फॉर शुगर, ओज फॉर शुगर एंड एल्ड फॉर एल्डिहाइड, मतलब जिन भी शुगर्स में कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उनको हम कहेंगे एल्डोज कैटेगरी के, जिसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो किसका, ग्लूकोज का। कीटोज में आपके पास कीटोज, कीटोज में कीटो वर्ड कीटोन के लिए, ओज वर्ड शुगर के लिए, ठीक है, कीटो प्लस ओज मतलब कीटो कीटोन के लिए, ओज शुगर के लिए। क्लियर हो गया कि ऐसी शुगर जिसमें हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा हाइड्रोक्सी के साथ उनको हम कीटोज फैमिली का बोलेंगे। तो एक क्लासिफिकेशन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी है, एल्डोज एंड कीटोज, एल्डोज वो जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोज वो शुगर्स जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तीसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास है, थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, इन अ चेन। तीसरी तरह से जो क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिली वो मिली कि आपके पास जो चेन है कार्बन शुगर, शुगर चेन है उसमें कार्बन का नंबर कितना है, तो हमारे पास मिनिमम जो देखा गया है वो देखा गया है कि 3 कार्बन एटम्स हो सकते हैं, और 3 कार्बन एटम होंगे तो उसका नाम है ट्राइओज, 4 कार्बन एटम है तो टेट्रोज, 5 कार्बन एटम है तो पेंटोज, और 6 कार्बन एटम है तो, 6 कार्बन एटम है तो हेक्सोज। ठीक है, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का तरीका है, इसके बेसिस पे भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका नॉमनक्लेचर या क्लासिफिकेशन किया गया है।
क्लियर होगी बात। तीन तरह से क्लासिफिकेशन हुई है, कैसे? हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, और कार्बन एटम चेन में कितने प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। अगर हाइड्रोलिसिस के बेस पे बोल रहे हैं तो हमें क्लियरली देखना है कि जो हमें शुगर दिया गया है उसकी हाइड्रोलिसिस करके वो ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर ब्रेक हो रहा है तो कितनी यूनिट्स में हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, फिर तो मोनोसेकेराइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेक किया पहला। दूसरा हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन, हमने पहले डेफिनेशन में क्लियर कर दिया था। तीसरा आया नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे, कितने कार्बन एटम्स रहेंगे पूरी चेन में, तो उसके बेसिस पे तीन तो ट्राइओज, फोर तो टेट्रोज, पांच तो पेंटोज, छह तो हेक्सोज। अब ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन की, बट जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मिनिमम हमारे पास थ्री कार्बन एटम्स है, ट्राइओज से हम स्टार्ट करेंगे और आगे हेक्सोज तक हम देखेंगे। तो पहली बात ये आती है कि इसका जो कार्बोहाइड्रेट्स का नोमेनक्लेचर है या इसके जो आगे स्ट्रक्चर्स बने हैं वो कहाँ से डिराइव हुए हैं, स्टार्ट कहाँ से हुए थे। तो उसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है ग्लूकोज की, वो बोला जाता है ग्लिसरेल्डिहाइड को। यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो चुकी है आपकी खत्म, क्लासिफिकेशन के आगे की बात हो रही है। अब एक्चुअल में हमें यहाँ पे ना स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, जो भी हमारे पास मोनोसेकेराइड्स है उनके स्ट्रक्चर्स को हमें स्टडी करना है। इसलिए अगला पॉइंट आपका क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ शुगर लिख लो, कार्बोहाइड्रेट लिख लो, जो आपको सही लगता है, क्या है? ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है जो शुगर्स का स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है कि यहीं से हम आगे वाले जो शुगर्स हैं उनको डिराइव करेंगे। तो ग्लिसरेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, यहां पे आपके पास आएगा CHO, यहां CH2OH, यहां पे OH और यहां पे H। बट ये एक स्पेसिफिक नाम के साथ आएगा और वो है डी ग्लिसरेल्डिहाइड। किसी को कुछ कहना है? ठीक है, देखो यहाँ पे ग्लिसरेल्डिहाइड जब हमने यहाँ बनाया तो CHO मतलब एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप, जिसको मैंने ऐसे एक साथ लिख दिया था। उसके बाद हमारे पास ये आ गया फर्स्ट कार्बन, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया सेकेंड कार्बन, और ये हमारे पास आ गया थर्ड कार्बन। इट मींस जो ये ग्लिसरेल्डिहाइड है ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? ट्राइओज। तो मैं इसको ट्राइओज भी कह सकती हूँ, एज वेल इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसको मैं एल्डोज भी कह सकती हूँ, या फिर इसको फर्दर में हाइड्रोलाइज करके किसी और में कन्वर्ट नहीं कर सकती तो इसको मैं मोनोसेकेराइड भी कह सकती हूँ। मतलब जब जो भी मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ी उनके बेसिस पे अगर मैं देखूं तो ये मोनोसेकेराइड भी है क्योंकि इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ये एल्डोज भी है क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एज वेल इसको मैं ट्राइओज कहूंगी क्योंकि इसमें तीन कार्बन एटम कंप्लीट चेन में प्रेजेंट है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, वन, देन दिस इज टू, देन दिस इज थ्री। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी और वो है काइरल सेंटर। काइरल सेंटर प्रेजेंट है इसमें, पहले तो ये बताइए यस और नो। Yes, ma'am. हाँ, कहाँ पे है, कौन से नंबर पे है? नंबर टू पे। नंबर टू पे, यस बिल्कुल ठीक है। बिकॉज काइरल सेंटर आपके पास कैसा है, ऐसा कोई भी कार्बन एटम, अभी क्योंकि हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, जिसके आसपास चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, कार्बन एटम विद फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा कोई कार्बन जिसके चारों बॉन्ड पे डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं काइरल सेंटर। तो जो शुगर हमें यहाँ मिलेंगे उनमें काइरल सेंटर प्रेजेंट होता है। तो काइरल सेंटर प्रेजेंट होने की वजह से तो मैं नहीं कहूंगी, बट यस क्योंकि काइरलिटी उसमें। हाँ जी मैम, मैं ना न्यू स्टूडेंट हूँ मैम, मुझे ना ट्राइरल सेंटर बारे पता नहीं, आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो क्या है वो? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। देखो ट्राइरल सेंटर आपके पास क्या है,
जब कोई कार्बन प्रेजेंट है तो इसके पास, जैसे मैं मान लूं CH4 लिखती हूँ मिथेन, तो इस कार्बन के चार बॉन्ड हैं बट चारों में सेम एटम प्रेजेंट है, तो ये कायरल सेंटर नहीं हुआ। अगर इसके चारों बॉन्ड डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं, सपोज यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, तो अब मैम इस कार्बन के, यस मैम, इसकी डेफिनेशन तो मुझे पता है, बट मुझे ना ऐसे पता नहीं लगता भी, जैसे आपने बताया ना सेकंड कार्बन है, वो नहीं मुझे पता लग रहा ठीक है, डेफिनेशन कोई तो बात मुझे। नहीं। हाँ जी मैम, हाँ मैं बता देती हूँ, तो यहाँ पे देखो बेसिक चीज तो ये हुई कि जिस कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कायरल सेंटर है, ठीक है, चारों अलग अलग चाहिए। अब मैं आई पहले इस कार्बन पे, ठीक है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ था, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP2। तो याद रखना कि कायरल सेंटर कभी भी SP2 और SP पे नहीं होता, कायरल सेंटर कभी भी SP2 कार्बन या SP हाइब्रिडाइजेशन, SP2 जनरली डबल बॉन्ड, SP जनरली ट्रिपल बॉन्ड, इस पे कभी कायरल सेंटर नहीं मिलेगा, कायरल सेंटर मिलेगा SP3 पे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे तो नहीं हुआ। बात आई इन दोनों कार्बन की, थर्ड पोजीशन पे आपके पास देखो क्या क्या है, CH2OH, मतलब इसको दो H मिल रहे हैं और एक OH मिल रहा है, ओपन करके लिखूंगी तो इसके तो दो एटम सेम हो गए, मैम, इसलिए ये SP3 तो है लेकिन इसके चारों बॉन्ड डिफरेंट नहीं है, इसलिए थर्ड पे भी कायरल सेंटर नहीं हुआ। तो अब बचा ये, इसके पास देखो H है अलग, OH है अलग, इस तरफ CH2OH अलग और इस तरफ CHO, चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ना, ये चारों जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, अच्छा ठीक है, इस, हाँ हाँ इस जी पोजीशन पे चारों चीजें जो जुड़ी हुई थी डायरेक्टली वो चारों डिफरेंट थी, दैट्स व्हाई इसको कायरल सेंटर हमने बोला, क्योंकि पहली बात वो SP3 एटम होना चाहिए, दूसरी बात SP3 होने के साथ साथ उसके चारों बॉन्ड्स पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, क्लियर। जी हाँ हाँ जी, जी तो ये कायरल सेंटर रखता है, दैट्स व्हाई मोस्टली हमारे पास जो शुगर हमें मिलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री की क्लास लगाई है, जिन भी स्टूडेंट्स ने, उनको मैंने ये चीज बताई थी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हम कायरल सेंटर के बेसिस पे नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि जिन्होंने स्टीरियो की क्लास लगाई है बताओ, हम बोलते हैं कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इनेंशियोमर मिरर है। इमेज एग्जिस्ट करेगी, नॉन सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर। नो, यस मैम, नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे हाँ, कोई भी मिरर। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव, माइक ऑन है, कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब उसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल, जब उसकी मिरर इमेज बनेगी नॉन सुपर इम्पोजिबल तभी उस मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। लेकिन कई बार बस ऐसे जनरलाइज्ड करने के लिए कह देते हैं कि भाई कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं ये फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ तो चलो एक ही कायरल सेंटर था तो दिक्कत नहीं आई, एक कायरल सेंटर है तब तो हमने इसको सीधा बोल दिया कि ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है, जब इस कंपाउंड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाएगा तो ये उस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, उस लाइट की डायरेक्शन को टिल्ट कर देता है, इधर क्लॉकवाइज इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन हमेशा ये कंसेप्ट कायरल सेंटर का नहीं काम करता है, काम करता है जो भी मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैं यहाँ प्रॉपर्टीज के लिए आपको थोड़ा बताने जा रही थी कि ऑप्टिकली एक्टिव नेचर इनका मिलता है बिकॉज इसमें हमें कायरल सेंटर एक एक से ज्यादा मिल सकते हैं, बट ये तो अभी आपके पास थी स्टैंडर्ड यूनिट, ये सबसे बेसिक वाली, जिससे हमारे पास फर्दर आगे वाले जो शुगर्स थे वो डिराइव हुए थे। तो ग्लिसरेल्डिहाइड से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ट्रायोज से बनाएंगे टेट्रोज, टेट्रोज से पेंटोज, और पेंटोज से सिर्फ वही हेक्सोज बनाएंगे जो आपके काम के हैं, बहुत सारे वाले हेक्सोज नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, मैम सारे ही बनवा देना, बाद में बता देना भी जो याद रखने हैं। मेन चल ठीक है, सारे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो डन। एक्टिव होते हैं हाँ जी एकदम एनोमर्स,
लास्ट वाले में एप्टिमर्स एनोमर्स वो तो हाँ करेंगे, वो अलग से करेंगे। ऐसे चैप्टर लग रहा है जैसे ना नींद नींद आ रही है, नींद नींद आ रही है, नींद आ रही है। यस मैम ठीक है कोई बात नहीं, अभी नींद भगा देते हैं आपकी। इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे तो, नींद आ रही बाकी क्लास में। चलो मैडम अपने 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 इंटरेस्ट की बात है, यहाँ पे नोट कर लिया ना सब लोगों ने, अभी अभी नींद भगाएंगे इनकी, अभी काम देंगे हम इनको बहुत बढ़िया सा, किसी को नहीं आएगी नींद। हमने यहाँ पे डिराइव करने हैं स्ट्रक्चर्स, बहुत बढ़िया काम शुरू होने वाला है और वो स्ट्रक्चर्स हमें पता होने चाहिए, एटलीस्ट जिन जिन के लिए मैं बोलूंगी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो तो आपको हर हाल में पता होने चाहिए। अगर कभी आप उसका स्ट्रक्चर बनाना भूल गए तो इस चार्ट को याद कर लेना, उसके थ्रू बन जाएंगे। स्टार्टिंग विथ ग्लिसरेल्डिहाइड। हाँ जी मैम, मिस्टर मतलब क्वेश्चन कैसे आ रहा समझ में नहीं आ रहा। किसका क्वेश्चन मैम? पेपर में कैसे पूछे ने, मतलब अभी तक जो पढ़ा है उससे? हाँ, नहीं जो आपने अभी करवा रहे हो मैम। अच्छा कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से आपके पास क्वेश्चन मल्टीपल बनते जाएंगे, अभी ये डिटेल में जाएगा, इसकी रिएक्शंस होती हैं आगे, रिएक्शन से रिलेटेड पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है चार एग्जांपल देके कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, या ऐसे पूछ सकता है कि कौन फेलिंग रिएजेंट के साथ, टोलन्स रिएजेंट के साथ या बेनेडिक्ट के साथ रिएक्शन देती है नहीं देती है। मैम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री तो नहीं पूछे ने ना जो आपने पहले बताई है अभी, ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं ऐसे इतना तो नहीं पूछेगा, बट ये एक प्रॉपर्टी है तो ये इस प्रॉपर्टी को याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, इसमें याद तो हो जाएगा, कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव है, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। डर जाते हो आप लोग है ना, कुछ थोड़ा सा नया आ जाता है तो डरना नहीं। मैम एक्चुअली ना मुझे ऑर्गेनिक से वैसे ही डर लगता है, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। समझ गई मैं, तभी तो मैंने कहा ये डरने वाली चीज तभी तक है जब तक आप इससे डरोगे, है ना, जब तक डरोगे तब तक ये बहुत डराएगी। अगर आपने इसको थोड़ा सा फेस करना सीख लिया ना फिर ये नहीं डरा सकती आपको। मैम एक्चुअली ना ये मतलब याद तो हो जाता है पर पेपर में ना समझ में नहीं आता अभी स्ट्रॉन्ग सी काम पे रिएक्शन, इसलिए मुझे क्योंकि जो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये मांगती है मैथमेटिकल अप्रोच जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता। ऐसा लगता है कि इसको हमने सिर्फ क्या किया, जैसे मैं खुद की बता देती हूँ, जब मेरे को स्टार्टिंग में केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ा था तो मुझे कैसा फील हुआ था, मैं मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ, मेरी बीएससी मेडिकल में हुई है, मैंने प्लस वन प्लस टू में बॉटनी जूलॉजी ये सब पढ़ा है, मैथ्स मैंने टेंथ के आगे नहीं पढ़ा है, एमएससी में एक सेमेस्टर में मैथ का पेपर दिया था जिसके लिए मैं प्रे कर रही थी कि बस मैं पास हो जाऊं क्योंकि मैंने प्लस वन से मैथ पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो जब मुझे केमिस्ट्री पढ़नी होती थी और बॉटनी जूलॉजी का ऐसा है कि आपने बुक खोली पेज पलटे पढ़ते गए समझ आ रहा है, याद कर लिया थोड़ा सा ऐसे आईज क्लोज करके उसको, फिर रिवाइज कर लिया क्या पढ़ा हमने, अगले पेज पे चल दिए। तो वैसी हमें आदत पड़ी होती है मेडिकल स्टूडेंट्स को कि पकड़ो ऐसे पेज पलटो और याद हो जाएगा, पेपर पेन वाली आदत हमें होती नहीं है। और केमिस्ट्री मांगती है कंप्लीटली पेपर पेन वाली अप्रोच, जैसे मैथ के क्वेश्चन है उसको पढ़ो बार बार लिखो, पढ़ो बार बार लिखो, और जब वो बार बार लिखते हैं ना तब वो रिवाइज प्रॉपरली होती है और दिमाग में अच्छे से बैठती है, तब जाके वो हमारे पास जब एग्जाम में आता है हमें क्लैरिटी रहती है कि हमें क्या करवाना है, कौन सा स्टेप करवाना है कौन सा नहीं करवाना है, क्योंकि इसके लिए उतनी ही रिविजन की रिक्वायरमेंट है जितना आप मैथ्स के लिए करते हो। हाँ जी, तो थोड़ी सी अप्रोच अभी आप चेंज करोगे तो फिर डर नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी हम है यहाँ पे संभालने के लिए, डोंट वरी, ठीक है। चलिए देखो मैंने कुछ किया है यहाँ पे, आप लोगों ने नोट किया होगा, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया अभी ग्लिसरेल्डिहाइड का, बट साथ में एक शब्द आपने जरूर लिखना है दैट डी ग्लिसरेल्डिहाइड। इनको बनाने के बाद ना मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि मैं डी एल किस बेसिस पे बोल रही हूँ, वैसे आपको इतना आइडिया होगा भी। इस OH के बेसिस पे D और L नॉमेनक्लेचर जो है ये रखा गया है। OH जो राइट लेफ्ट साइड पे होता है ते ओ D होता है लेफ्ट पे, मतलब साडे इधरले साइड लेफ्ट पे L होगा राइट पे D होगा। हाँ अभी अभी हाँ अभी आप जैसे देख रहे हो तो OH राइट पे, हाँ जी हाँ जी, तो D। अगर ये OH लेफ्ट पे होता तो इधर होता तो L होना था,
एल होता है। यस, तो अभी मैं क्या है कि डी ग्लिसरेडीहाइड से डिराइव कर रही हूँ, तो मेरे पास जितने भी आगे बनेंगे कार्बोहाइड्रेट्स वो सारे डी फॉर्म के ही बनेंगे। अब इनको बनाने के लिए देखो बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, क्या करना है आपको, जो डी ग्लिसरेडीहाइड जहां से डिराइव कर रहे हो वो आपने ड्रॉ कर देना है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट आप किसी को भी तब तक मतलब अप्रूव नहीं कर सकते जब तक उसमें ग्लिसरेडीहाइड वाला पार्ट प्रेजेंट ना हो। मतलब एक CHO, CH2OH, H और OH मिनिमम एक तो चाहिए चाहिए, उसके बाद OH का नंबर अगर बढ़ता है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चार चीजें मिनिमम होनी ही चाहिए जो ग्लिसरेडीहाइड में प्रेजेंट होती हैं, तभी आप उसको शुगर्स की कैटेगरी में गिन सकते हो अगर एल्डोज की बात कर रहे हो तो। यहाँ पे इससे कोई भी एक जो आपको मिलेगा उससे दो डिराइव होके आएंगे, और उसको बनाने के लिए आपने जितना पार्ट यहाँ पे लिया है ना वो एज इट इज उतार देना है। यहाँ CHO था, लिख दिया CHO, यहाँ पे HOH था, ये नीचे वाली पोजीशन पे HOH लिख देना है, CH2OH वैसे लिख देना है, और एक एक्स्ट्रा कार्बन बना देना है ऐसे CHO और इस OH वाले के बीच में एक एक्स्ट्रा कार्बन बना देना है। ठीक है जी, करना क्या है अब, ये तो बिल्कुल एज इट इज उतारा हमने, एक कार्बन हमने बढ़ा दिया क्योंकि ट्रायोज से अब हम बना रहे हैं टेट्रोज, तो पहले वाले में OH रखना है राइट और दूसरे वाले में OH रखना है लेफ्ट, ये ऐसे ही चलेगा। और यहाँ पे जो बच गई पोजीशन वहां पे क्या आ जाएगा HH। दो शुगर्स हमारे पास बन के आए हैं, इनका नाम पता है किसी को, एक का थ्रियो एक का रिथ्रो। पहले वाला कौन सा है, सेम ग्रुप सेम साइड का थ्रियो, थ्रियोज एंड एरिथ्रोज। पहले वाला है आपके पास थ्रियो, गलत, एरिथ्रोज है ये। फर्स्ट वन डी वन इज एरिथ्रोज एंड सेकंड वन इज थ्रियोज। थ्रियोज अभी इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगी मैं, आज के बाद गलत नहीं होगा अगर आपने वैसे याद रखा जैसे मैं बताने जा रही हूं। T4 threos and T4 trans। जब आपके पास OH अपोजिट साइड पे आएंगे, ट्रांस वाले रिलेशन में आएंगे, एंटी वाले रिलेशन में आएंगे तो थ्रियोज, जब सेम साइड आएंगे तो इरिथ्रोज। सिंपल है, ग्लिसरेडीहाइड से हमने दो यहाँ पे नए कार्बोहाइड्रेट बनाए हैं, एक का नाम रखा डी इरिथ्रोज, दूसरे का रखा डी थ्रियोज, जिसमें हमने कैसे चलना है कि पहले वाले में OH राइट पे रखना है, दूसरे वाले में OH लेफ्ट पे रखना है। नाम याद करने के लिए T4 trans T4 threos, दैट्स वाई OH ट्रांस रहेंगे और दूसरे में फिर सेम साइड रहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे आप लोगों के लिए काम, इस डी इरिथ्रोज से भी आगे दो पेंटोज बन के आएंगे, ट्रायोज बन गया, टेट्रोज बन गया, पेंटोज बनेंगे। इस डी इरिथ्रोज से भी दो बनेंगे, डी थ्रियोज से भी दो बनेंगे। बनाओ जरा स्ट्रक्चर्स बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने यहां पे किया। अब ये सारा उतार देना सेम और एक कार्बन एक्स्ट्रा बनाना, पहले वाले पे OH राइट, दूसरे वाले पे OH लेफ्ट। और जिसको नाम पता होंगे तो नाम भी बताना मुझे। मैम द फर्स्ट वन इज अ आर्बिनोस, मे बी इट्स अ आर्बिनोस, देन एंड अनदर वन इज अ राइबोनोस, राइबोज और राइबोनोज, राइबोज राइबोज, ओके राइबोज, देन ज़ाइलोज, ज़ाइलोज ही होगा आई थिंक मैम इससे, क्योंकि उसका लेफ्ट उसका हाँ राइट ज़ाइलोज। एक और होता है एल से लेग्जोस, लाइग्जोस, हाँ लाइजोस, लाइजोस। ठीक है, यहाँ पे शायद थोड़ी गड़बड़ हुई है बट अभी चेक कर लेते हैं हम, नाम थोड़े आगे पीछे हो गए हैं शायद आपके पास। पहला
राइबोस पहले आएगा, रेबिनोज बाद में आएगा। जिस तरह से मैंने बताया ना कि OH राइट पहले पे रखना है, दूसरे में लेफ्ट पे रखना है, अगर वैसे किया है तो पहले राइबोस बनेगा, फिर अरेबिनोज बनेगा, और सबके आगे डी सबने लगा लेना है, डी राइबोज, डी अरेबिनोज, डी जाइलोज एंड डी लाइजोज। कैसे दिखेंगे यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं। मैंने अपनी कॉपी में वैसे लिखा है, आपको वैसे लिखवा दिया, सॉरी मैम। अच्छा 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 ठीक है, कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट में हमने क्या किया, ये सारी चीजें बराबर बना देनी है। यहाँ आ गया CHO, यहाँ पे CH2OH, तो इसमें क्या है, ये OH सेम साइड थे वैसे ही रहेंगे, इसको अभी फिल करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सेम, क्योंकि इसी से तो डिराइव कर रहे हैं हम, तो OH सेम साइड थे इसके, यहाँ था CH2OH, यहाँ पे था H, ये खाली रखना है और ये CHO, ठीक है। अब डी इरिथ्रो से जो दो बन के आ रहे हैं उसमें ये सेम एज इट इज उतार के क्या करना है, जो आपने पहले लिखा उसका OH राइट, जो दूसरा लिखा उसका OH लेफ्ट। तो जब हमारे पास तीनों OH एक साइड होते हैं तो उसका नाम है डी राइबोज, और जब हमारे पास दो OH सेम है लेकिन तीसरा लेफ्ट साइड पे है तो उसका नाम है डी अरेबिनोज, ठीक है। डी जाइलोज और डी लाइजोज कैसे दिखेंगे, ये क्रॉस चेक कर लोगे आप यहां से। पहली बात तो ये कि मेरे पास जो ये दो OH थे ये कैसे थे, यहां पे और यहां पे, तो इनको रखा बिल्कुल अपोजिट, एंड देन यहां पे आ गया CH2OH, उसके बाद ये ऊपर वाला खाली रखेंगे, देन दिस इज CHO। सेम यहां पे हमारे पास ये OH, ये OH गया अपोजिट HH, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया CHO। तो इसमें भी सेम वही ट्रेंड हमने फॉलो करना है कि मैंने कॉपी पे पहले ये लिखा है तो इसमें OH आएगा राइट पे, फिर ये लिखा है तो इसका OH आएगा लेफ्ट पे। तो जो आपके पास ये पहले बना D3O से उसका नाम है डी जाइलोज, जो आपके पास बाद में बना उसका नाम है डी लाइजोज। बना है ऐसा सब लोगों का या नहीं, बहुत सिंपल सा मेथड है बनाने का, बन रहे हैं? यस मैम। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने ग्लिसरल्डिहाइड से स्टार्ट किया ट्रायोज, इरिथ्रोज थ्रियोज बनाए टेट्रोज, फिर हमने राइबोज अरेबिनोज जाइलोज लाइजोज बनाए, ये है पेंटोज। अब हर एक पेंटोज से हम फर्दर दो हेक्सोज जनरेट कर सकते हैं सेम इसी मेथड से। करिए स्टार्ट फटाफट, कॉपी में डी राइबोज से आगे बनेंगे दो, अरेबिनोज से आगे दो, लाइजोज से आगे दो, और जाइलोज के आगे भी दो। मैम हाँ जी, कंफ्यूजिंग सा नहीं लग रहा है? क्या क्या कंफ्यूजिंग है, नाम याद करना मींस नाम नहीं, मतलब कहाँ पे HOH लगाना, क्या हो जाएगा, कोई ट्रिक से याद, ग्लिसरल्डिहाइड याद करने में, नहीं नहीं ग्लिसरल्डिहाइड याद हुआ, ये बताओ ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर याद हुआ? यस हो गया। इरिथ्रोज थ्रियोज का याद हुआ? वो भी हो गया। बस तो आगे डिराइव करने में नहीं आनी चाहिए दिक्कत। देखो आपने ये सेम एसिड उतार दिया, सेम इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर याद था, सेम उतार दिया, सिर्फ एक कार्बन एक्स्ट्रा बनाया ना, उसमें पहले वाले पे OH राइट रखा, जो दूसरा उससे बन के आया उसका OH लेफ्ट रखा, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है? यस यस हाँ, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी मेथड है, और इनको सीक्वेंस में याद करवाने के लिए अभी मैं न्यूमोनिक भी आपको बताने वाली हूँ इसके बाद, तो न्यूमोनिक याद करके आपको इसका सीक्वेंस भी याद रहेगा, और ड्रॉ करने का तो सबसे इजीएस्ट तरीका है कि जो पहले दिया है उसको पूरा उतार दो, सिर्फ CHO के पास वाला जो कार्बन है उस पे, जो अभी हम नया बना रहे हैं उस पे एक में OH राइट पे रखो, एक OH लेफ्ट पे रखो, नया कार्बन जो हम बना रहे हैं, ठीक है? Okay. हाँ जी, okay. बाकी yes. एक दो बार ना आप पहले पढ़ लो, उसके बाद कॉपी बंद करके जब खुद से लिखोगे एक पेपर लेके तो फिर आपको और अच्छे से आ जाएगा, इजी है ये, कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है? राइट यस।
अभी आप लोगों को मैंने काम दिया है, आगे करो डी राइबोज से बाकी दो बनाओ, पहले राइबोज पूरा। हाँ बन गया, बन गया मैम। ठीक है, जिनका रहता है वो बनाओ फटाफट, ये मैं मिटा रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे बना सकूं आगे। प्रैक्टिस का है ये, बस एक बार प्रैक्टिस होगी ना फिर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी है, और इससे इजी तरीका है नहीं इन सबको एक साथ याद रखने का। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जो दिया है वो हो गया तैयार टेस्ट के लिए? है जितेंद्र, अब भी बोलो कुछ, तैयार हाँ जी मैम। हो गया है? नहीं मैम, कब करना अभी है तो स्टार्ट करना है। तो कर दो, वैसे तो मैंने तुम्हारा टेस्ट तुम लोगों का इसी वीक लेना था, ये तो मैंने खुद एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तुम्हें, करो उसको तैयार। हाँ जी सरप्राइज मैम, टेस्ट ले लिया मैंने, फिर क्या करोगे, देंगे ही नहीं, बोल दो हम कौन सा आपके पास बैठे हैं जो हम डंडा मार के कहेंगे कि नहीं करो अभी। मैम रिक्वेस्ट है कि जो भी आप चैप्टर करवा देते हो ना उसको 2 दिन में टेस्ट ले लिया करो। ठीक है, जैसे 2 दिन में ले पॉलीमर्स, लेंगे। पॉलीमर्स हो गया मैम वो, अगर मतलब आता है तो। वैसे आई डिड, बट आप जो टेस्ट लोगे उसमें और सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि ऑक्सीजन वाला मैंने पहले करवाया है, इम्पोर्टेंट है वो आप कर दो, पॉलीमर का भी साथ में ही करवाऊंगी मैं। अगर पॉलीमर अगर का पहले लेना है देना है आपको, आपने ना पहले दे टास्क दो वाला गलत लिख दिया, एफ आ गए यहाँ पे, मैं। छह सेम बना दिए। हाँ ऑक्सीजन हाँ 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 कर रही हूँ। हाँ जी, में ना न्यू स्टूडेंट हूँ, बट अगर आप मुझे डेट बता दोगे तो मैं 2-3 दिन में तैयार कर लेती हूँ और फिर उस दिन टेस्ट दे दूंगी रिकॉर्डेड सेशन देख के। अच्छा ठीक है, पॉलीमर्स का मंडे को ले लो टेस्ट, यस सब मैम, दे सकते हो पॉलीमर्स का टेस्ट मंडे को? ठीक यस मैम, यस मैम, ले लो। मैम है तुम्हारा भी साइड भी सही कर दो, आपने ना दोनों साइड वेच लगा दिया। मैं कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, 2 मिनट मुझे पेशेंस रखो। मेरा दिमाग भी और जगह भी चल रहा है। मंडे को आपका पॉलीमर का टेस्ट हो जाएगा, सैटरडे को आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का हो जाएगा। हाँ जी मैम मैंने न्यू स्टूडेंट हूँ, कल ही ज्वाइन हाँ किया जी, है। मैम आप वेडनेसडे थ्रू ले लेना पॉलीमर्स का वेडनेसडे को टेस्ट ले लो। ठीक है मैम, ठीक फिर है, कोई मैं नहीं, मैं कर कर सुन देती हाँ कर देती हूँ मैं फाइनल ना, अभी बात करके लूंगी। आपको टाइम भी मिल जाएगा तैयारी के लिए। ठीक है ठीक है, हाँ जी मैम, ये मेरे फिट नहीं हो रहे आगे। मैक्सिमम टीचर्स ही हो ना आप लोग भी, इसलिए पूरा ध्यान जाता है क्या सही लिखा क्या गलत लिखा है ना, गलतियां निकालने में टीचर माहिर होते हैं। क्यों मैंने तो टीचिंग जितेंद्र छोड़ है, दिया, टीचिंग मैंने तो छोड़ दी टीचिंग। छोड़ दी? मैं मंडी बोर्ड में मैं तो हूँ। पानी टेस्ट करने लग गया अब। अच्छा क्या करने लग गए? जिंदर फिर कोचिंग क्यों ले पानी रहे हो? जितेंद्र कह रहे कोचिंग क्यों ले रहे हो फिर? पानी में कितना कैल्शियम है, कितना मैग्नीशियम है, कितना क्लोराइड है, कितनी हाँ अल्कलिनिटी है, कितनी बेसिसिटी है, कितनी उसकी पीएच है। हाँ ये सब का क्या कर रहे हो? अब तो ये सब कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जॉब लग जाएगी तब फिर वापस आ जाओगे अपने प्रोफेशन हाँ में। जी मैम, ये तो है, वो तो ना टेम्परेरी ज्वाइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हाँ 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 ठीक है पे वो पोस्ट। एक्चुअली अगर रेगुलर होती तो कोई माड़ी नहीं थी, हाँ क्योंकि ना हम स्कूल में पढ़ाते वक्त सॉन्ग नहीं सुन सकते, इस साइड हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा, सॉन्ग के पीछे जॉब चेंज कर ली? नहीं मैम, वो तो मतलब कि ना फ्री टाइम था, मतलब कि इसीलिए। ठीक है कोई बात नहीं। देखो जिन लोगों को अभी कंफ्यूजन लग रहा है उनके लिए मैंने अभी फिल नहीं किया है,
जब मुझे यहां से बनाना था ना, पहले वाला मेरा कौन था, राइबोज, तो मैंने राइबोज पूरा एज इट इज वैसे उतार के लिख दिया दोनों जगह पे। इसमें बस जो सी एच ओ के पास कार्बन जो नया मैं बनाऊंगी, इसमें ओ एच राइट रहेगा और इसका ओ एच जो है वो लेफ्ट रहेगा, तो ये राइबोज से बन गए दो। फिर अरेबिनोज था, अरेबिनोज को भी मैंने एज इट इज पूरा जैसे ये था वैसा उतार दिया, सी एच ओ के पास वाला कार्बन जो अभी मैं नया बना रही हूँ, ये मैंने नया कार्बन रखा, तो उसमें मेरे पास एक पे OH मैंने रखना है राइट और दूसरा जो आएगा उसका OH रखना है लेफ्ट, बाकी सारा सेम जैसे अरेबिनोज में यहाँ पे था। उसके बाद मेरे पास तीसरा कौन था, डी जाइलोज, ठीक है, तो जो ये जाइलोज था इसको एज इट इज मैंने दो जगह बना दिया, ठीक है, बिल्कुल सी एच ओ के पास जो एक्स्ट्रा कार्बन था उसका पहला OH रखा राइट और दूसरा रखा OH मेरे पास लेफ्ट में, ये दो नए बन गए। देन मेरे पास लास्ट में था डी लाइजोज, उससे भी मैंने दो बनाए हैं, ठीक है, तो ये एज इट इज दोनों जगह मैंने उतार दिया, बस सी एच ओ के पास जो कार्बन रखा नया उसमें एक पे OH राइट रखा, दूसरे में OH जो है वो लेफ्ट पे रखा, ठीक है। तो ऐसे आपके पास हर एक से दो नए हेक्सोज बन के आए हैं जिनके नाम कुछ इस तरह से है। पहला आपके पास यहाँ पे डी राइबोज से क्या बन के आया है, मैम प्लीज दो मिनट कंप्लीट कर, ठीक है कर लो कर लो कर लो। पहला डी ग्लूकोज, नहीं 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 ग्लूकोज नहीं है, एक बार चलो इनको करने दो नोट सारा फिर मैं बताती हूँ। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए कौन से वाला है मैम, थर्ड होगा मेरे ख्याल से। ओके हाँ मैम थर्ड है, अच्छा ठीक है, जो नोट कर रहे हैं उनका नोट हो जाएगा तो मुझे बता देना फिर मैं नाम लिखवाऊंगी इनके। मैम हाँ जी आप का बता दो कि कब लोगे आप, किसका पॉलीमर का टेस्ट कब लेंगे? Yes, sir, yes. हाँ वेडनेसडे को कर देते हैं बिकॉज अभी जैसे जो न्यू स्टूडेंट है वो कह रहे कि हम भी प्रिपेयर कर लेंगे, तो वेडनेसडे पॉलीमर का टेस्ट और आपका सैटरडे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का टेस्ट। उसके लिए ऐसा है कि वो लेंथी यूनिट है तो न्यू स्टूडेंट्स अभी इतनी जल्दी शायद उसको तैयार नहीं भी कर पाएंगे, तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही ये टेस्ट है और काफी टाइम से दिया गया है तो अब इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। सैटरडे को ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का है और वेडनेसडे को पॉलीमर्स का है। अगर मैं भूल गई इन केस तो मुझे मैसेज डाल के एक बार याद करा देना, टेस्ट मेरे पास बना हुआ है जस्ट मुझे अटैच करना है लाइव ऐप पे। ठीक है मैम। हाँ ओके आप सैटरडे को क्लास लोगे मैम? हो गया मैम 50-50 चांसेस है मैम मत लेना। हो गया मैम। क्यों भाई इतना परेशान हो मेरी क्लास से? नहीं मैम परेशान नहीं है मैं जा आऊंगा। मैम ले लो मैम टेस्ट से ही अब टेस्ट तो है, टेस्ट तो है, ये टेस्ट के अलावा क्लास का पूछ रहे हैं, टेस्ट तो है मैम। एक जो स्टूडेंट का कैमरा ऑन है मतलब कैमरा अगर ऑफ कर ले क्योंकि वैसे ही डिफिकल्ट लग रहा है तो इधर उधर ध्यान जा रहा है। अच्छा ठीक है किसी का कैमरा ऑन होगा ऑफ कर। वेरी सॉरी आई लव टू इंटरेक्ट विद द टीचर दैट्स व्हाई आई जस्ट कनेक्ट माय कैमरा। अच्छा ये जिनको ऐसा लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरफ ध्यान दे, बोर्ड को कह रहे कि स्क्रीन को जूम कर लो, जिनको डिस्ट्रैक्शन से बचना है ठीक है, बट इतनी कम कंसंट्रेशन लेवल होना नहीं चाहिए एग्जाम के लिए, मतलब ये सिर्फ नॉर्मल ऐसे तो आप एग्जाम में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे स्टूडेंट्स को देख के। मैं बायो हो रहा है क्या हो रहा है? सिर्फ बायो मॉलिक्यूल्स में ही हुआ है ऐसा, ऐसा कभी हुआ नहीं है वैसे क्लास में कि डिस्ट्रैक्ट हुए हूं। ठीक है एक्ट में बता देती हूं, उसमें ये है कि उसमें आपको ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, यहां पे क्या है कि ये टॉपिक थोड़ा सा बायो वाली साइड का है इसलिए आपको ब्रेक देना पड़ रहा है बीच में, आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है हाँ इसलिए। चलिए पहले का नाम लिखिएगा यहाँ पे जो आपने डी राइबोज से बनाया है वो आपके पास है यहाँ डी एलोज, हो सकता है कुछ नाम आप पहली बार भी सुनो डी एलोज। दूसरे का नाम है डी एल्ट्रोज,
पहला है डी एलोज, दूसरे का नाम है डी एल्ट्रोज, देन आपके पास है डी ग्लूकोज, देन डी मैनोज, देन आपके पास है डी ग्लूकोज एंड देन डी आइडोज. यस, डी ग्लूकोज एंड डी आइडोज. देन दिस इज डी गैलेक्टोस, डी गैलेक्टोस, डी गैलेक्टोस. एंड ये जो हमने इसी के बाद सबसे लास्ट वाला बनाया है, इसका नाम है डी टेलोज, डबल एल, डी टेलोज. मैम टेलोज की स्पेलिंग बोल दो. टी ए डबल एल ओ एस ई, टी ए डबल एल ओ एस ई. ओके मैम. मैम ये नेम याद कैसे रखेंगे? अभी अभी बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी. ये बन गया सब लोगों का? हाँ जी. यस मैम. हाँ देखो, पहली बात ग्लिसरेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर. ग्लिसरेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर तीन कार्बन का है, ट्रायोज है, बिल्कुल सिंपल है. डी है या एल है याद रह जाएगा कि सी एच ओ ऊपर, सी एच टू ओ एच नीचे, और बीच में हमारे पास ओ एच और एच. ओ एच राइट रहा तो डी, ओ एच लेफ्ट पे रहा तो एल. ठीक है, ग्लिसरेल्डिहाइड याद हो गया. उससे दो कौन से हमारे पास शुगर्स बन के आ रहे हैं ग्लिसरेल्डिहाइड से? एरिथ्रोज एंड थ्रियोज. हाँ, थ्रियोज में दोनों OH कैसे होते हैं? ट्रांस. हाँ, ट्रांस या अपोजिट. ठीक है, टी फॉर ट्रांस, टी फॉर थ्रियोज. थ्रियोज याद रह गया तो इरिथ्रोज उसके अपोजिट होता है, अपने आप याद रहेगा. इरिथ्रोज में दोनों OH कहाँ? सेम. ठीक है, ट्रायोज हो गया, टेट्रोज हो गया. टेट्रोज तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. पेंटोज के लिए लिखिए एक लाइन, एक न्यूमोनिक लिखेगा पेंटोज के लिए, इन चारों के लिए. रिब्स, रिब्स आर एग्जैक्टली लीन. रिब्स आर एग्जैक्टली लीन. ये आपके पास पेंटोज के लिए एक लाइन है, बहुत सिंपल सी लाइन है. रिब्स आर एग्जैक्टली लीन, रिब्स आर एग्जैक्टली लीन. ठीक है, जिसमें हर एक जो यहाँ पे लिखा गया है वर्ड, उसके फर्स्ट लेटर से हमें पता चल जाएगा इन शुगर्स का नाम. रिब्स से, रिब्स से राइबोस, राइबोस. आर से अरेबिनोस, अरेबिनो, अरेबिनोस, ज़ाइलोस. हाँ, ई एक्स, एक्स वाला आएगा. हाँ, तो एक्स वाला आपके पास क्या था? ज़ाइलोस. एक्स से क्या स्टार्ट हुआ था? ज़ाइलोस. और लीन में एल से क्या स्टार्ट हुआ था? ज़ाइगोस. ज़ाइगोस. हो गए याद? सिंपल. रिब्स आर एग्जैक्टली लीन, राइबोस, अरेबिनोस, ज़ाइलोस एंड देन लाइसोस. ठीक है, और बनाने बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैंने बताए हैं. अगर वहां पे आपने गड़बड़ करी ना, फिर न्यूमोनिक्स का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये मैंने, हाँ मैंने उसी हिसाब से बताए हैं जिस हिसाब से मैंने डिराइव करवाए हैं, कि पहला जो बनाओगे उसका OH राइट रखना, दूसरे का OH लेफ्ट रखना. जब किसी एक से दो डिराइव करोगे, पहले का OH राइट, दूसरे का OH लेफ्ट, ऐसे रखने पे ही ये वाले जो न्यूमोनिक्स हैं ये प्रॉपरली काम करेंगे, और जैसे मैंने नाम लिखवाए हैं वो प्रॉपर वैसे चलेंगे. ठीक है, तो हमारे पास ग्लिसरेल्डिहाइड था सिंपल ट्रायोज, टेट्रोज में बने इरिथ्रोज और थ्रियोज, थ्रियोज में टी फॉर ट्रांस, तो OH अपोजिट. राइबोज से दो बन के आए, और उन दोनों का हमारे पास नहीं, इरिथ्रोज और थ्रियोज, इरिथ्रोज से दो बन के आए और उन दोनों का नाम क्या है? राइबोज और, राइबोज और अरेबिनोज. हाँ, अरेबिनोज. अरेबिनोज, हाँ, इरिथ्रोज हो गया. दूसरा था थ्रियोज, थ्रियोज से भी दो बन के आए. पहला ज़ाइलोज, दूसरा पहला ज़ाइलोज, दूसरा
हाँ, जाइलोज और लाइजोज, ठीक है, जाइलोज लाइजो और लाइजोज, अगर कंफ्यूजन होगा ये याद रख लेना, रिब्स आर एग्जैक्टली लीन, ठीक है। अब आते हैं स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, बाकी लोगों को भी आ रहा है ऐसा इशू? विजिबल है मैम, हम क्लियर है मैम। लास्ट नहीं वाले मैम, का नेम बता दो, लास्ट वाला क्या कर रहा है? उसका नेम बता दो, वो लिखना था मैंने। लास्ट वाला जो ऊपर लिखा मैम है, टेलोस। डी टेलोस। अच्छा, ये डी टेलोस, TALLOSE। सेटिंग नहीं बैठ रही यहाँ पे ढंग से मैम, वहां ना लाइट पड़ रही है इसलिए नहीं दिख रहा वो। अच्छा ठीक है, एक मिनट में लाइट ऑफ कर देती हूँ, बट फिर मतलब ये वाली अभी के लिए ऑफ कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ लिखूंगी नहीं कुछ भी। अभी दिख रहा है? हाँ जी मैम। अच्छा एक्चुअली आज एकेडमी से ऑलरेडी काफी क्लासेस चल रही थी, तो इसलिए मुझे अपने रूम से लेनी पड़ी क्लास। अभी ठीक है, लिख लिया ना टेलोज? यस मैम। ठीक है, अब ये अपने पास पेंटोज तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब अगली बात कर लेते हैं हेक्सोज की, ठीक है। रिब्स से भी दो बनेंगे, आर से भी दो बनेंगे, यहाँ एग्जैक्टली जाइलोज से भी दो बनेंगे, लीन में लाइजोज से भी दो बनेंगे। तो रिब्स के एक्सक्यूज मी आगे आप मैम, लिखिए। हाँ जी, मैम ये बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में जो आपने साइड में बनाया उसका क्या नेम लिखा हुआ है? डी डी टेलोज, टेलोस। टेलोज, TALLOSE, टेलोज। हो गया? जी मैम। ओके, तो यहां पे ये आपने आगे लिख देना है कि फोर पेंटोज, रिब्स आर एग्जैक्टली लीन, आपने पेंटोज के लिए रखा है। तो अगला आप यहां पे लिखिएगा, अब मैं ये मिटा रही हूं, फोर हेक्सोज। अगला जो न्यूमोनिक है याद करने के लिए वो आपके पास है फोर हेक्सोज, जिनको थोड़ा भी ये मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा हो या डर वाला लग रहा हो, वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने की, इजी से इजी तरीके से याद हो जाए वैसे बताने की, स्टिल किसी को लगेगा, तो मैं अभी ये भी बताने वाली हूँ कि आपको किस किस के स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें सारे नहीं आएंगे। फोर हेक्सोज लिखिएगा, ए स्क्वेयर सेज गुड मॉर्निंग टू जी आई एट जी टी रोड। ए स्क्वेयर सेज गुड मॉर्निंग टू जी आई एट जी टी रोड। नानी हाउस सर। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? ए स्क्वेयर मतलब दो ए, ठीक है, और दो ए में आपके पास पहला है एलोज, उसके बाद है एल्ट्रोज। तो ये तो आप ऐसे ही याद रख लेना कि पहला है एलोज और दूसरा है आपके पास एल्ट्रोज, ठीक है। ऑल्टो के नाम से याद रख सकते हो कि दूसरे वाला जो है वो ऑल्टो वाला है, ठीक है। पहला एलोज सबसे अलग, और दूसरा जो ए है वो ऑल्टो वाला है, यानी एल्ट्रोस, ठीक है। सेज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग में सेज का कुछ नहीं है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग में जी और एम है, जी से आपके पास है ग्लूकोज, एम से है मैनोज। इसके आगे हमारे पास जी आई, ठीक है, तो जी आई भी है, जी टी भी है, जी दोबारा आ रहा है। तो इसको आपने कैसे याद रखना है कि जब जी आई लिखा है तो इनका जो प्रोनंसिएशन है, इनके जो आप कह सकते हो कि साउंड इफेक्ट है, वो एक जैसा है। कैसे? जी में गुलुओज और आई में आइडोज, एक जैसा लग रहा है सुनने में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, गुलुओज एंड आइडोज। तो जी आई में एक जैसा साउंड सुनने को मिलेगा जब हम इनको प्रोनाउंस करेंगे, दैट्स व्हाई गुलुओज एंड आइडोज। और लास्ट बच गया जीटी, तो
जी इसमें गैलेक्टोस और टी टेलोज। तो इस तरीके से हमारे पास जो हेक्सोज का एक सीक्वेंस है वो भी हमें याद हो जाएगा। क्या है, ए स्क्वेयर सेज गुड मॉर्निंग टू जीआई एट जीटी रोड, जिसमें ए स्क्वेयर में पहले हमारे पास आएगा एलोज, दूसरा आएगा ओल्टो वाला यानी एल्ट्रोज, एलोज देन एल्ट्रोज देन जी एम से ग्लूकोज एंड मेनोज देन जी आई, दोनों साथ में रखे हैं क्योंकि इनका जो प्रोनंसिएशन है साउंड है वो सेम है, ग्लूकोज आइडोज एट जी टी रोड, जी टी हमारे पास जो बाकी रह गए क्या बचा है गैलेक्टोज एंड टेलोज, तो गैलेक्टोज और टेलोज का भी साउंड एक जैसा, ग्लूकोज और आइडोज का साउंड एक जैसा, तो ये दोनों जी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कौन कैसा है, गैलेक्टोज के साथ टेलोज, ग्लूकोज के साथ आइडोज, हो जाएगा याद? यस मैम, यस मैम, ठीक है। अब आपके जो काम के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए, ठीक है, नोट हो गया, ये सारा मिटा दूं? मैम एक मिनट ऊपर वाला बस रुक जाना, ठीक है ठीक है, लिख लो मैम। हाँ जी मैम, अब तो पेपर की चांस जुलाई में है ना? हाँ, बिकॉज इन्होंने अभी फॉर्म फिल करने की डेट और एक्सटेंड कर दी है, तो चांसेस तो यही लग रहे हैं कि जुलाई तक हो सकता है। yes. अगर और एक्सटेंड नहीं किया या कोई और इन्होंने इश्यू सामने नहीं रखे तो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, बायोमोलिक्यूल्स के बाद कौन सा चैप्टर रहता है? बायोमोलिक्यूल्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्काइन्स वाला, और देन हमारे पास दो चैप्टर सेम ऐसे ही है, केमिस्ट्री ऑफ अमीन्स एंड केमिस्ट्री ऑफ हैलाइड्स। मैम वो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन वाला मतलब कब तक रिपीट होगा वो? अभी आपके पास पहले ये तीन यूनिट हो जाएंगे, उसके बाद चांसेस है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल वाला पार्ट करा के फिर होगा रिपीट। मैम मतलब हमारे जब तक मेरे साल मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे जून तक सिलेबस पूरा? सॉरी क्या कह रहे हो? ये तीन यूनिट्स को मुझे लगता है जून तक कंप्लीट हो जाएंगे फिर सिलेबस पूरा। हाँ जी, क्योंकि वैसे आपके पास यूनिट में बता देती हूँ, उसमें दो यूनिट ऐसी वाली भी है, एक आपके पास है क्या कहते हैं उसको सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट, और एक आपके पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइक एनवायरमेंटल ऑर्गेनिक के सिलेबस में थोड़ी है मेंशन, इनऑर्गेनिक में ना वो तो मेंशन। हाँ जी एवरीडे लाइफ, हाँ एवरीडे लाइफ, तो वो मतलब याद करने वाला ही है, उसमें एज सच ऐसा कुछ है नहीं, तो अगर समराइज करना होगा तो वो मैं किसी एक क्लास में उन चैप्टर्स को समराइज कर दूंगी कि उसमें बहुत ज्यादा वो है नहीं। दूसरी चीज ये भी है कि उसमें से श्योर नहीं है हम कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में वो क्या पार्ट आपको डालेगा डालेगा, वो बिल्कुल ऐसा है कि थोड़ा वास्ट सा है। स्क्रीन चली गई, मैम बीच में गई थी एक बारी बस। देखो ये वाईफाई तो मेरा अभी तक भी लिमिटेड चल रहा है, मैं नेट पे ही चलाऊंगी, ये शायद ना वो हमें मैसेज आ गया होगा आपने अपना 50% डाटा यूज कर लिया है, मे बी ऐसा कुछ तभी हुआ होगा। चलो हो गया ना नोट सब लोगों का, ये फटाफट बता दो। यस मैम। हां जी यस मैम। हां चलो, तो अभी आपको किस किस के स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ये सारे ऐसे डिराइव करके जो न्यूमोनिक सिखाए हैं उसके हिसाब से इनके स्ट्रक्चर्स को बिना किसी कंफ्यूजन के अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए बनाना सीख जाओ, बहुत बढ़िया होगा। बट स्टिल अगर लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स को करना, तो आप जो ध्यान में रखोगे वो पहली बात ग्लिसरेल्डिहाइड हर किसी को याद हो जाएगा या हो चुका होगा, अभी हो गया होगा सबको याद है ना। उसके बाद अपने पास आया इरिथ्रोज और थ्रियोज, ये भी याद हो गया? हाँ जी मैम हो गई। हाँ देन yes, आपके पास नेक्स्ट हमने पेंटोज के लिए पढ़े जो भी राइबोज रैबिनोज ज़ाइलोज लाइसोज,
लाइजोज, ठीक है। तो अगर इसमें आपके पास आपको ये जाइलोज लाइजोज नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप स्किप कर सकते हो, बट राइबोज और एबिनोज को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद आगे वालों में जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए वो ग्लूकोज और मैनोज है, ठीक है। अगर बाकियों की भी रख पाते हो जिस हिसाब से मैंने बताया है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप सारे स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाएंगे, बहुत बढ़िया है। बट स्टिल अगर लगता है कि बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं तो बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है इस पार्ट के लिए, आपको ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे है इनके स्ट्रक्चर्स सबसे अच्छे से आने चाहिए, आपके क्वेश्चंस जो है वो यहीं से हो जाएंगे, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स में। अब हम बात कर लेते हैं आगे इसी से रिलेटेड जो एक नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर रही थी मैं यहाँ पे, और वो नोमेनक्लेचर में क्या था, मैंने डी और एल बोला था, ठीक है। तो अगर तो मेरे पास नोमेनक्लेचर डी कैपिटल या एल है तब तो ठीक है, बट मेरे पास अगर स्मॉल डी और स्मॉल एल है तो इसका क्या मतलब होता है? राइट साइड पे रोटेट करती है, प्लस के साइन से, प्लस के साइन से या माइनस के साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। जब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज या लीवो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उस मैनर में हम स्मॉल डी और स्मॉल एल यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताने के लिए डी और एल स्मॉल वाला यूज किया जाता है। यहाँ जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है दैट इज नोमेनक्लेचर, जैसे हमने अभी अभी किया किसमें, ग्लिसरेल्डिहाइड में, जब हमने OH को रखा राइट साइड तो ये हमारे पास हुआ डी ग्लिसरेल्डिहाइड। बट इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करो, हाँ जी क्या कह रहे हो, अगर ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो बन जाएगा एल क्रिस्टल एल, लेकिन इसकी मैं कह रही हूँ मिरर इमेज ड्रॉ करो, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करो बिल्कुल लेफ्ट पे, तो आपके पास मिरर इमेज क्या बनेगी, ओ एच यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा सामने, एच यहाँ पे और यहाँ सी एच ओ और सी एच टू ओ एच, तो ये आपकी कैसी फॉर्म बन गई, एल फॉर्म, किसकी, ग्लिसरेल्डिहाइड की। यही तो हमने कहा था कि जब हमारे पास OH राइट पे होगा, व्हेन OH इज ऑन राइट साइड तो डी ग्लिसरेल्डिहाइड, व्हेन OH इज ऑन लेफ्ट साइड देन एल ग्लिसरेल्डिहाइड। बट इससे हमें क्या पता चला कि डी एंड एल फॉर्म ऑफ, डी एंड एल फॉर्म ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट is exact mirror image of each other, is exact mirror image of each other, और ये कैसी mirror image है, superimposable या non-superimposable? non-superimposable. तो इन दोनों को मैं क्या बोल सकती हूँ, optically active enantiomers, हाँ जी इनेंशियमर्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं ये, और जब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे इट मींस डी और एल फॉर्म को मैं क्या कह सकती हूँ कि इन दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है, इनेंशियोमर्स का। यस, जिनको नहीं पता है इन सब चीजों का एक बार नोट कर लो यहां तक जो भी मैंने बताया है, फिर मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ। सो कैपिटल डी एल स्मॉल डी एल दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये लास्ट में क्या लिखा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के नीचे इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स ई एन ए एन टी आई ओ एम ई आर एस। मैम डी और एल एक बार और बता दो कि ये किधर करते हैं लाइट को, अच्छा डेक्स्ट्रो लिवो, जी मैम डेक्स्ट्रो लिवो, ठीक है मैं ये सारे रिपीट कर रही हूँ, लिख लिया सब लोगों ने, एल से बस याद रखो लेफ्ट, जहाँ पे एल आ गया वहां पे लेफ्ट ही होगा, डी का अपने आप बन जाएगा, ठीक है
नेमिंग में देना है तो भी एल से लेफ्ट पी वाला आपकी राइट हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी मैम। फिर भी याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद रख लेना, डी फॉर दीपा मैम एंड दीपा मैम इज ऑलवेज राइट, राइट ठीक है, इसलिए राइट पे आएगा ओएच जब डी नॉमेनक्लेचर होगा। चलो देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि नॉमेनक्लेचर जब डी एल है तो उसमें आपको देखना है ओएच की पोजीशन, इफ इट इज ऑन राइट साइड देन डी फॉर्म जो भी शुगर है उसका, इफ ओएच इज ऑन लेफ्ट साइड देन एल फॉर्म। बट मैंने एक और चीज यहाँ पे क्या देखी कि ये डी फॉर्म अगर मैंने बनाई और उसकी मैं मिरर इमेज ड्रॉ करूंगी तो एग्जैक्ट उसकी एल फॉर्म बन के आ रही है, या एल फॉर्म बनाऊंगी और उसकी मिरर इमेज ड्रॉ करूंगी तो एग्जैक्ट डी फॉर्म बन के आ रही है, मतलब सेम शुगर की, ऐसे नहीं डिफरेंट की। तो क्या पता चला कि किसी भी शुगर की डी और एल फॉर्म जो है वो एग्जैक्ट मिरर इमेज होती है हमेशा, और अगर कोई दो कंपाउंड आपस में मिरर इमेज का रिलेशन रखते हैं, आपस में मिरर रिफ्लेक्शन एक दूसरे की बना रहे हैं, तो हम वहां चेक करते हैं दो पॉसिबिलिटीज कि वो मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो अभी अगर आप इस मॉलिक्यूल को एज इट इज उठा के कैसे भी इस पे रखने की कोशिश करोगे वो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। बट अगर आप ये सोचो कि हम इसको ऐसे फ्लिप करके रख सकते हैं तो वो पॉसिबिलिटी फिशर वाले केस में नहीं होती है। दूसरा एक यूनिवर्सल फैक्ट आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सिंगल कायरल सेंटर है तो वो हमेशा इनेंशियोमर देता है। कभी भी किसी मॉलिक्यूल में पूरे में सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो वो हमेशा अपनी जो मिरर इमेज देगा वो एज इनेंशियोमर देता है। दैट्स व्हाई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ये हमारे पास कहलाएंगे इनेंशियोमर। ये हमने स्टीरियो में पढ़ा था, अगर कोई दो कंपाउंड आपस में मिरर इमेज है सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोज कर जाते हैं पूरा एटम टू एटम मैच हो जाता है तो आइडेंटिकल, नॉन सुपर इम्पोजिबल तो इनेंशियोमर। बट ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है उनको हम कहते हैं, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स। हाँ डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। एग्जांपल बताओ, आपने इतने सारे शुगर्स पढ़े मेरे को बताओ कोई डायस्टीरियोमर्स का एग्जांपल। चार्ट को देख के बता दो, राइबोस ग्लूकोज और मैनोज ये डायस्टीरियोमर्स हैं। ग्लूकोज और मैनोज डायस्टीरियोमर्स हैं क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं बट स्टिल दे आर नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर। अगर एक दूसरे के साथ ये मिरर इमेज का रिलेशन नहीं रख रहे हैं तो आप इनको बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स। मैम वैसे ग्लूकोज और मैनोज एपिमर्स भी है ना? ग्लूकोज और मैनोज एपिमर्स भी है, एपिमर जो है वो डायस्टीरियोमर्स की ही आगे सब क्लास है। एपिमर्स जो मिलते हैं, एपिमर्स जो मिलते हैं वो हमें डायस्टीरियोमर्स में मिलते हैं। लेकिन एक और फैक्ट की बात बताती हूँ, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया बट जितने भी शुगर आपने किसी एक से डिराइव करके दो बनाए है ना वो दोनों आपस में डायस्टीरियोमर्स है। वो दोनों आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। आगे फिर बताएंगे कि एपिमर क्यों हम कह रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक की मैं बात करूं तो एक से डिराइव करके जितने भी दो बनाए ना आप लोगों ने, जैसे इरिथ्रोज से राइबोज और अरेबिनोज बनाया तो राइबोज एंड अरेबिनोज आपस में डायस्टीरियोमर का रिलेशन रखते हैं। अगर आपने थ्रियोज से जाइलोज और लाइजोज बनाया तो लाइजोज और जो जाइलोज है वो आपस में डायस्टीरियोमर है क्योंकि एक का ओएच राइट एक का ओएच लेफ्ट, वो मिरर इमेज बना ही नहीं सकता कभी भी। बाकी सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट उसके सेम है, ओरिएंटेशन में डिफरेंस है इसलिए स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिरर इमेज का रिलेशन बिल्कुल नहीं रख रहे वो। तो किसी एक से डिराइव करके जो भी दो आप लोग बना रहे थे, जैसे अभी ग्लूकोज और मैनोज बना था, किससे बना था ग्लूकोज और मैनोज? अरेबिनोज। हाँ, और अरेबिनोज से बना तो ये दोनों डायस्टीरियोमर हो गए आपस में। अगर राइबोज से बने थे, राइबोज से क्या क्या बना?
एलोज एंड एलोज एंड एलोज एंड एल्ट्रोज एलोज एंड एल्ट्रोज तो एलोज और एल्ट्रोज आपस में क्या है? डायस्टीरियोमर्स यस। तो ये आपस में मिरर इमेज का रिलेशन नहीं रख रहे हैं, किसी एक से जो भी दो डिराइव होके आगे आए वो दोनों आपस में डायस्टीरियोमर्स है। बट अगर डीएल की बात करूं तो किसी एक शुगर की, किसी एक शुगर की डी फॉर्म और एल फॉर्म आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का रिलेशन रखते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं इनेंशियोमर्स। बट जब किसी एक शुगर को किसी दूसरी डिफरेंट शुगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम सेम फॉर्म में, डी डी फॉर्म में या एल एल फॉर्म में, तब डायस्टीरियोमर आ रहा है। यानी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दो कंपाउंड अगर आपस में मिरर इमेज का रिलेशन रखते हैं बट नॉन सुपर इम्पोजिबल तो इनेंशियोमर, बट दोनों आपस में मिरर इमेज का रिलेशन नहीं रखते हैं तो डायस्टीरियोमर। क्लियर है यहां तक बात सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब एपिमर्स की बात कर लेते हैं। बट यस, किसी ने मुझे कहा था डेक्स्ट्रोलिवो के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो डेक्स्ट्रोलिवो का आपके पास क्या होता है? जैसे हमारे पास पोलैरोमेट्री टेस्ट होता है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो किसी भी कंपाउंड के लिए ये चेक करना है हमें कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो हमारे पास ना ऐसे लाइट का सोर्स रहता है, ये मैं पोलैरोमेट्री टेस्ट के बारे में थोड़ा बता रही हूँ आपको ताकि ये क्लैरिफाई। हाँ प्लीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायस्टीरियोमर्स एंड एनेंशियोमर्स, रिपीट कर दो मुझे। अच्छा ठीक है जी, एक बार मैं ये पोलैरोमेट्री टेस्ट का बता देती हूँ, फिर मैं फिर उसका बताती हूँ। ठीक है, आपके पास कभी भी कोई सोर्स रहता है ना लाइट का, तो जैसे आपके पास बल्ब है कुछ भी है तो वो ऑब्वियसली बात है सब डायरेक्शन में लाइट देता है। बट हमें ना सब डायरेक्शन में नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए थी एक ही डायरेक्शन की लाइट। ठीक है, इसलिए हमने एक स्लिट यहाँ पे रखी और उस स्लिट के थ्रू ना एक ही डायरेक्शन की लाइट जो है हमारे पास आ रही थी, जिसको हमने बोला प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है जब हमारे कंपाउंड के साथ, जो हमने टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड लिया है, जैसे हम किसी भी कंपाउंड के बारे में बोलते हैं ना कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी है, उस कंपाउंड को हमने इसमें लिया है, जब उस कंपाउंड के साथ ये लाइट इंटरेक्ट करती है तो दो तरह के रिजल्ट मिलते हैं। या तो ये लाइट बिल्कुल वैसे की वैसी ही आगे हमें देखने को मिलती है जब इससे इंटरेक्ट करके जाती है, या ये लाइट जो होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे किसी ना किसी एक तरीके को रिफ्लेक्ट हुई होती है। अगर इस तरफ को हुई होगी क्लॉकवाइज, उस तरफ को हो गई होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके बेसिस पे ये नाम रखा गया। अगर उस लाइट को बिल्कुल वैसे ही देखा गया देन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट अगर उसमें रोटेशन हुई है तो ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव के लिए भी दो टर्म्स निकाली गई, डी और एल, प्लस और माइनस। डी मींस डेक्स्ट्रो, एल मींस लीवो। ठीक है, तो लीवो का मतलब था आपके पास कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, डेक्स्ट्रो का मतलब था कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो जस्ट लाइट के रोटेशन पे ही ये नाम रखे गए थे जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर है? यस मैम। ओके, ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे निकोल प्रिज्म से पास करते हैं ना? किससे पास करते हैं? हाँ जी मैम, निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। हाँ जी, पर वो स्लिट से पास करने पे प्लेन पोलराइज्ड कैसे होगी? मतलब ये जस्ट आपके पास स्लिट, आप ये नहीं कह रहे हो कि सिंपल ऐसे कुछ, हाँ कुछ भी आपने ऐसे रख दी, हाँ पोलराइजर आप कह सकते हो। मतलब मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया सबसे सिंपलेस्ट तरीके का। पोलैरोमेट्री थोड़ी पढ़ा रही हूँ यार तुम्हें। कि हमारे पास लाइट किसी मीडियम के थ्रू, हाँ जी नहीं मैम, ऐसा होता पोलराइजर से पास करके फिर स्लिट से जाती है, स्लिट से जाती है। तो पहले तो हाँ मतलब यही है आपके पास, मैंने रफ सा आइडिया दिया, ऐसे प्रॉपर वो नहीं दिया कि आपके पास सोर्स में लाइट सब जगह जाएगी, उसको फिर जैसे ये कह रहे हैं पोलराइजर के थ्रू, एग्जैक्टली उसको प्लेन पोलराइज लाइट बनाने के लिए पोलराइजर के थ्रू पास किया। स्लिट में क्या हुआ, फिर हमें सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन की लाइट मिली, प्लेन पोलराइज लाइट उसको बोल दिया, इंटरेक्ट करवाया और फिर उसके रिजल्ट देखे। ये था अपने पास यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला कंसेप्ट। प्रैक्टिकल हम करते हैं जिस ट्यूब में हम सॉल्यूशन लेते हैं ना, उसका जो एक साइड ढक्कन लगा होता है उसमें ये निकोल प्रिज्म वगैरह फिक्स होता होगा जी, उसमें वो शुगर वाला किया था ना एक्सपेरिमेंट,
उसमें सब क्योंकि अपना मतलब कि मैम उसमें से सीधे मतलब कि ना एक लकड़ के बॉक्स में मतलब कि होल जा करके स्लिट बनाई होती है, उसमें से लाइट आ रही होती है। ठीक है, जिनको ये डी और एल को लेके कंफ्यूजन था उनको ये क्लियर हो गया है? यस मैम, हो गया क्लियर। ठीक है, अभी इनेंशियोमर डाइस्टीरियोमर का भी किसी ने मेरे से पूछा कि इनेंशियोमर डाइस्टीरियोमर को एक बार थोड़ा सा बता दो। तो इनेंशियोमर और डाइस्टीरियोमर को वैसे हमने स्टीरियो में किया है, लेकिन स्टिल यहाँ पे बात आई है तो मैं फटाफट बता रही हूँ। आपके पास ना स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, पहली बात। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी का मतलब है कि जिस कार्बन पे हमें OH मिलना चाहिए उस कार्बन पे OH है, बट ओरिएंटेशन डिफरेंट है। कनेक्टिविटी सेम बट ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। क्या मतलब हुआ इसका? कि OH तो है लेकिन फिशर में एक का OH राइट पे है, दूसरे का OH लेफ्ट पे है, तो उनको हम स्टीरियो आइसोमर बोल देते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी सेम, बट ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास था इरिथ्रोज और थ्रियोज, ठीक है? तो इसमें ये मेरे पास इरिथ्रोज आ गया, ये मेरे पास यहाँ पे थ्रियोज आ गया। तो अब अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है दोनों का, दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका रिलेशन मुझे चेक करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। कनेक्टिविटी की बात क्या होती है कि जैसे इस कार्बन के पास एच ओ एच और सी एच ओ था, तो सेम उसी कार्बन उसी पोजिशन पे एच ओ एच और सी एच ओ है, जो कनेक्शन होना चाहिए था सब्स्टिट्यूएंट का वो प्रेजेंट है। लेकिन फर्क क्या है कि इसका OH राइट साइड पे है बट इसका OH लेफ्ट साइड पे है, मतलब ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो इन दोनों को अगर मुझे समराइज करना हो तो स्टीरियो आइसोमर कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट दीज टू आर स्टीरियो आइसोमर्स। बट स्टीरियो आइसोमर्स को भी फर्दर ना कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि स्टीरियो आइसोमर इनेंशियोमर टाइप का है या डाइस्टीरियोमर टाइप का है, जिसके लिए हमें चेक करना होता है इसका मिरर इमेज रिलेशन, कि क्या ये दोनों कंपाउंड आपस में मिरर इमेज है। अगर ये दोनों मिरर इमेज है तो हमें मिरर इमेज कैसी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो इनको बोलना है इनेंशियोमर। बट स्टीरियो आइसोमर होने के बाद अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिरर इमेज का रिलेशन नहीं रखते हैं, नॉट मिरर इमेजेस, तो इनको बोलना है मैंने डाइस्टीरियोमर। अभी इन दोनों को क्या बोलूं मैं, इरिथ्रोज और थ्रियोज को? डाइस्टीरियोमर। यस, बिकॉज दीज टू आर नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर। स्टीरियो आइसोमर तो है, यहाँ तो फिट बैठ रहे हैं, बट जब मिरर इमेज का रिलेशन देखा तो ये दोनों मिरर इमेज का रिलेशन नहीं रख रहे हैं, इसलिए इनको मैंने बोला डाइस्टीरियोमर। अगर ये एक दूसरे के साथ मिरर इमेज होते लेकिन मिरर इमेज कैसी? नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो मैं कहते कि ये दोनों मेरे पास क्या है? इनेंशियोमर। जैसे डी और एल फॉर्म किसी सिंगल शुगर की। मैम इन सिंपल लैंग्वेज अगर OH लेफ्ट साइड है तो आपने ऐसे बोला भी इनेंशियोमर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, ये मैंने सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए बताया आपको। आप मिरर इमेज चेक कर लेते हो? ये बताओ पहले। हां जी, कर लेते हो? मैं एक्चुअली स्टीरियो की क्लास लाई नहीं ना, मैं न्यू स्टूडेंट हूं तो इसीलिए आपके लिए मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूं कि ये मिरर इमेज आप के पास तो समझ में आ गया मैम, मुझे ना नॉन सुपर इम्पोजिबल टर्म मतलब नहीं पता मैम। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको वो चीज में क्लास के बाद व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे जैसे काफी टाइम से एक टर्म यूज हो रही है यहाँ पे, दैट इज एपिमर्स। तो एपिमर्स के लिए एक लाइन लिख लो, ये आप एपिमर्स पढ़ते हो, सुनते भी हो कार्बोहाइड्रेट्स में। एपिमर्स क्या होते हैं लिखिएगा, दोज डाइस्टीरियोमर्स, दोज डाइस्टीरियोमर्स विच, दोज डाइस्टीरियोमर्स विच डिफर इन कन्फिग्रेशन, विच डिफर इन कन्फिग्रेशन एट वन काइरल सेंटर।
at one chiral center are called as apomeres. Are called as apomeres. At mein second carbonate बोल सकते हैं ना? नहीं देखो सेकंड वाला जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ. आप सेकंड वाले को बोलते हैं सी टू एपिमर्स. जब सेकंड पे होता है ना तो आप ये कह सकते हो फॉर एग्जांपल सी टू एपिमर्स. बट ऐसा नहीं है कि हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही डिफरेंस मिलेगा. आप उनको भी एपिमर्स कह सकते हो जिसमें किसी और कायरल सेंटर पे कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है. ठीक है, that's why मैंने यहाँ पे आपको ये स्पेसिफिकली लिखवाया. Those diastereomers which differ in configuration at one chiral center. मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं लिखवाया कि at second position और third position, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल बनता है सिर्फ कि सेकंड पे डिफरेंट हुई तो C2 एपिमर बोल देंगे, थर्ड कार्बन पे डिफरेंट हुई तो C3 एपिमर बोल देंगे. ठीक है, बट yes, आपने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स किए जो मैंने डिराइव करवाए वो सारे एग्जाम्पल आपके पास C2 एपिमर के थे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं किस चीज की, वही इरिथ्रोज थ्रियोज को ही लेती हूं. अगर ये मेरे पास एक है देन ये दूसरा है OH OH. ठीक है, सी एच टू ओ एच. तो ये मेरे पास आ गया इरिथ्रोज, ये मेरे पास आ गया थ्रियोज. अब इसमें अगर आप इतने पार्ट पे देखोगे तो इस कार्बन पे तो बिल्कुल सेम है कंफिग्रेशन. जो इसकी है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, आरएस नॉमेनक्लेचर जो हम देखते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन सेम है या नहीं, तो वो सेम ही आएगी क्योंकि बिल्कुल सेम तरीके से ओरिएंटेशन दी गई है. बट यहाँ डिफरेंट आएगी. क्यों डिफरेंट आएगी? क्योंकि इसका ओएच राइट है, इसका ओएच लेफ्ट है. तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग ऐसे होती है ना, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन. तो मेरे पास इन दोनों में जो कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है वो कौन से कार्बन पे मिला? वो मिला मुझे सेकंड कार्बन पे. दैट्स व्हाई दीज आर द एग्जांपल ऑफ सी टू एपिमर्स. बट यही डिफरेंस अगर मेरे पास तीन कार्बन होते और यहाँ थर्ड पोजीशन पे ऐसे वन टू थ्री थर्ड पे कुछ डिफरेंस होता, लाइक इसका ओएच राइट पे, उसका ओएच लेफ्ट, बाकी सारी चीजें बराबर, तो उस केस में उसको मैं सी थ्री एपिमर भी बोल सकती थी. क्लियर है ये बात? एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे और बता दो मेरे को एपिमर्स के लिए. जैसे मैंने यहाँ पे ये तो सबसे सिंपल लिखा कि मेरे पास डी इरिथ्रोज एंड डी थ्रियोज, ये दोनों एपिमर हैं. इसी डी इरिथ्रोज एंड डी हाँ, आगे कोई एक और एग्जाम्पल बताओ. राइबोज एंड डी अरेबिनोज. अगला क्या बताया? Xylose and Lexios. हाँ जी, डी लाइजोज एंड डी लेक्सियोज. ठीक है, डी मैनोज डी ग्लूकोज. हाँ जी मैम, ये भी आपस में. हाँ, जितने भी आपने किसी एक से, हाँ एक से आपने जो दो डिराइव किए ना वो दोनों, अगर डाइस्टीरियोमर कहना है तो डाइस्टीरियोमर कह लो, या उससे बेहतर कहना है तो एपिमर कह लो, उससे भी बेहतर कहना है तो C2 एपिमर कह लो. क्योंकि उन दोनों में जो किसी एक से दो डिराइव हुई है डी फॉर्म, उन दोनों में अगर डिफरेंस है तो वो सेकेंड पोजिशन की कंफिग्रेशन पे ही है. ठीक है, कहाँ पे थर्ड कार्बन? कैसे पूछ रही हूँ मैं आपसे, जो आपने एल्ट्रो और थीरो की मतलब एग्जांपल दिया है वहाँ पर थर्ड कार्बन नहीं होगा? नहीं नहीं, देखो आपके पास जब सपोज आप ग्लूकोज की बात कर लो, तो ग्लूकोज जब आपने डिराइव किया तो आपने यहाँ नीचे तो सब पोजीशन जो थी ऐसे OH 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 ये तो बिल्कुल सेम किसके जैसे लिखी थी. कहाँ से डिराइव किया हमने ग्लूकोज को? किससे डिराइव किया? अरेबिनोज. अरेबिनोज से. तो ये वाला पार्ट पूरा मैंने अरेबिनोज का लिखा एज इट इज. हाँ, तो इसमें OH राइट, इसमें लेफ्ट. लेकिन अगर मुझे मैनोज बनाना होता तो उसमें सिर्फ मैं इसी पोजीशन पे डिफरेंस क्रिएट कर रही हूँ ना, बाकी सारा पार्ट तो मेरा अरेबिनोज वाला ही आया.
हाँ दैट्स वाई दिस इज फर्स्ट पोजिशन एंड दिस इज सेकेंड. तो सेकेंड कार्बन के कंफिग्रेशन डिफरेंट जब मिलती है, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम, तो सी टू एपिमर. इसकी तो फिर सारी एग्जाम्पल्स ही हो गई ना जो अपन ने की है, वो सारी जितनी भी की है, बिल्कुल जितनी भी एक से डिराइव करके जो दो बने हैं वो दोनों आपस में सी टू एपिमर्स है. ठीक है, एनोमर्स के बारे में हम बात करेंगे, बट एनोमर्स की बात हमारे पास तब होगी जब हम उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे. ठीक है, एनोमर भी एक टर्म होती है, बट वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे पहले ओपन स्ट्रक्चर जो है, मतलब हमें अब क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है मोनोसेकेराइड्स की, और मोनोसेकेराइड में भी स्पेसिफिकली ग्लूकोज की और थोड़ी बहुत फ्रक्टोज की. ये हमें पढ़ना है कि वो किन किन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है. तो ग्लूकोज की रिएक्शंस करने के लिए पहले हमें उसकी जो ओपन स्ट्रक्चर के साथ रिएक्शंस होती हैं, जिन जिन रिएजेंट के साथ, वो पढ़नी है. उसके बाद हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के उसके एनोमर बना के फिर साइक्लिक की जो जो रिएक्शंस होगी वो हमें करनी है. इस तरीके से हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होगा, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करेंगे. पांच मिनट ही रह गए. ठीक है, हाँ जी, छुट्टी कर रहे हैं आज आपकी 5 मिनट पहले. ये चैप्टर तो बड़ा लंबा जाएगा ना मैम? नहीं, बहुत लंबा नहीं जाएगा, मैं बता रही हूँ. कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स वाला पार्ट जो है, प्रोटीन वाला, ये थोड़ा सा आपका टाइम ले सकता है, बाकी आपका बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है. मतलब बस ऐसे इंट्रोडक्शन, आधे आधे घंटे का इंट्रोडक्शन है. कितने लेक्चर और लगेंगे मैम? केमिस्ट्री की 2 घंटे की क्लास में पता नहीं लगता कब 2 घंटे बीत गए, बाकी तो 1.5 घंटे की क्लास लगानी मुश्किल हो जाती है. ये तो है मैम, बिल्कुल, जैसे आज बिल्कुल पता ही नहीं चला. हाँ, टाइम बहुत जल्दी हो गया. और मैं सही बताऊँ तो मैं बहुत ज्यादा कंटेंट जो था वो मैं टारगेट करके आई थी कि यहाँ तक तो मैं करवा ही दूंगी, और मुझे अभी लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं करवाया. मतलब स्टार्ट बहुत थोड़ा सा हुआ मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था रिएक्शंस वाले पार्ट तक मैं कर दूंगी, बट कोई बात नहीं. अभी स्टार्ट में पहले ले लेनी थी. क्यों, आज क्या था? वैसे मैम सैटरडे को, मतलब कि अभी तो स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है ना, 1:30 बजे तक का हो गया है. स्कूल से सारे फ्री हो जाते हैं, सैटरडे का पूरा भी ऑफ होता है. सब लोग सैटरडे फ्री हो जाते हो जल्दी? नहीं नहीं मैम, ट्यूशन हम दिए 3 से 5. हां जी मैम. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. तो अभी क्या फाइनलाइज हुआ है? फाइनलाइज ये, ठीक है, जो हो गया बहुत अच्छा हो गया, कोई वो टेंशन नहीं है. आगे वाली क्लास में जो होगा स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि ये शुरू वाला पार्ट था ना, तो फर्स्ट लेक्चर पे अगर थोड़ा ज्यादा टाइम लग भी जाए तो वो अच्छा होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बेस सही बिठा देता है, उस चैप्टर की फ्रीक्वेंसी बैठ जाती है. आगे फिर थोड़ा फास्ट भी हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं आती है. तो ठीक है, जितना हुआ बहुत अच्छे से हो गया. अगले वाले लेक्चर्स में, जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था कितने लेक्चर्स लग सकते हैं, तो मेरी कोशिश है कि 3 लेक्चर्स जो होंगे आगे वाले 2-2 घंटे के, तो 3 लेक्चर्स में ये कवर हो जाए. हो सकता है पहले भी हो जाए, बाकी मैं अभी अप्रोक्स आइडिया जो वो 3 लेक्चर्स का लगा रही हूँ कि 3 और लगेंगे अभी. ठीक है, और हाँ, लास्ट में आपके पास क्या है? लास्ट में आपके पास ये है कि वेडनेसडे को आपका पॉलीमर्स का टेस्ट है. अच्छे से प्रिपेयर कीजिए सब लोग, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और उससे क्वेश्चन हमेशा आता है. एज वेल सैटरडे को आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का टेस्ट है, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बेशक लेंथी है. कुछ लोगों ने अगर हाफ की है तो कोई बात नहीं, हाफ ही अटेम्प्ट कर देना, उतने पार्ट के क्वेश्चंस कर देना वहां पे, लेकिन अटेम्प्ट करो. थोड़ा सा पता लगेगा कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में है, आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं. और आपको टाइम भी वहां पे पर्टिकुलरली मिलेगा, उस टाइम के अंदर आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं. बिकॉज जब असाइनमेंट होती है आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, आपको लगता है कि ठीक है अभी नहीं हुआ, थोड़ा और टाइम लेके कर रहे हैं, तो उसमें एक वो टाइम लिमिट का रहता नहीं है दिमाग में, लेकिन टेस्ट में वो रहेगा, क्योंकि आपको टाइम कम मिलता है और जिस हिसाब से क्वेश्चन होते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए अगर अच्छा रैंक लेके आना है तो. ठीक है मैम, पॉलीमर्स की असाइनमेंट है ग्रुप में आ गई है? ऐप ऐप पे. ओके ऐप पे है. हाँ जी मैम, नेक्स्ट यूनिट कौन सी करवा रहे हो? हाँ जी, नेक्स्ट यूनिट, हाँ जी मैम, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ओके मैम. और किसी को कोई कुछ कहना है या छुट्टी करें? मैडम ये जो टेस्ट आप लेते हो, ये टेस्ट उसमें अपलोड ही रहता है कि उस टेस्ट होने के बाद खत्म हो जाता है वहां से? नहीं नहीं, 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 नहीं आप इसको
कर सकते हो, फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो। जब तक आपके पास उस कोर्स का एक्सेस है तब तक आप उस टेस्ट को बार बार रीअटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें जो ऐप में एक ही टेस्ट है, जैसे कोई भी चैप्टर ना उसका एक ही टेस्ट है, वही टेस्ट होता है? नहीं नहीं, जो ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आपको लाइव फॉर्मेट में टेस्ट मिलेगा, टेस्ट वाले सेक्शन में अलग से। टाइमिंग के साथ होता है ना वो वाला? हाँ वो मिलेंगे आपको। ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में कौन सा टेस्ट है? पीडीएफ फॉर्मेट में भी तो होंगे आपके पास, जैसे नोट्स पे क्लिक करते हो तो असाइनमेंट्स आती हैं, फिर असाइनमेंट्स जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में, वैसे टेस्ट भी हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। वो तो मैंने देखे नहीं कभी। कहाँ से होगी ये? तो देखे नहीं कभी मैम। नहीं हुए अटैच आपके? नहीं। चलो मैं देखूंगी देखूंगी, है हमारे पास वो टेस्ट भी है बने हुए, तो वो भी आपके अटैच कर देंगे हम। ओके मैम। ठीक है। और मैम जो नोट्स के पीडीएफ है वो अवेलेबल हो सकती है? पीडीएफ ऐप पे नो मैम, जैसे ग्रुप में सेंड कर दो या फिर ऐप पे हो? ऐप पे तो शायद किए हुए अटैच, एक बार मैं फिर से देख लूंगी। नोट्स जो आपके ऐप पे है वो ये है कि थोड़ा डिफरेंट है, जो हार्ड कॉपी गई हुई है वो डिफरेंट है, बट दोनों ही सही है पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इवन एक्स्ट्रा ही मिलेगा उनमें आपको। ठीक है, ऐप पे हो जाएंगे अपलोड, अगर नहीं होंगे एक बार चेक कर लेना नोट्स वाले सेक्शन में। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।